ए सर गुड इवनिंग। हाँ जी, गुड इवनिंग। और न्यू फ्रेश लुक। न्यू फ्रेश लुक। हाँ, हाँ वो बदलाव माँ जिंदगी में कह जरूरी है। रही है। हाँ सही लग रहे हो सर। सो ही डिडन्ट यू डिडन्ट बॉदर टू इवन चेंज द नेम ऑफ द फोन, लाइक स्ट्रेट अवे, लाइक कि आईफोन। कैसे हैं आप? काफी मायूस क्यों दिख रहे हैं? मैं आज पिछले बार प्रशांत आया था तो बहुत ज़्यादा बाहर आ गई थी। प्रशांत को आने में आज काफ़ी टाइम लगेगा, मे बी 9:30 बजे तक। प्ले करूं? या साउंड आ रही है ना? सर तबीयत खराब होने में जितना उपाय मैंने नहीं, काफी स्पीड है वैसे तुम्हारा उसमें, कि इतना जल्दी जल्दी तुमने इतना तामझाम कर लिया है उसमें। और सारे मीडी फाइल्स ही हैं। मैं क्यूरी वेएसटी ट्राई कर रहा था, शेडेज 3 करके इलेक्ट्रॉनिक गिटार है, काफी अच्छा गिटार है ये। मैं थोड़ा शुरू कर देता हूँ फिर, ये तो कॉन्टेक्ट किया। हे रोहित, व्हाट्स अप? कैसे हो सर? बढ़िया। बढ़िया ना सर। थोड़ा दिन बाद हाँ मिलने बहुत से टाइम हो गया। काफी टाइम हो गया ऐसा लग रहा है। ये वाला सर ये सही है ना? बस यही उस किया था, एक फ्रेट को थोड़ा सा म्यूट करके, थोड़ा सा पावर आया। बस यही था सर। मतलब अभी मतलब मैंने पहले 5-6 ट्रैक सुने ऐसे टाइप के, तो उसके बाद मैं घुसा कि चलो ट्राई करते हैं। एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक मैंने कभी ना ट्राई किया था ना, मैं सुनता भी नहीं था, मैं लिटरली सुनता भी नहीं था। बट आज मैं जब सुना, बोले यार पावर है इलेक्ट्रॉनिक वो पर ऐसा रॉक म्यूजिक में मेनली खेल जो है वो लाइव इंस्ट्रूमेंट से आता है, में। यस सर अभी जो कि है वो सर किस तरीके से यही। वो गिटारिस्ट ऐसा बेंड और ट्विस्ट करके और ऐसे करके प्ले करेगा। हाय दीदीपन। हाँ हेलो सर। जी, आप जिससे आए हो सिस्टम में, आपके में कैमरा है कि नहीं? हम लोग का आपका शक्ल दिखेगा नहीं दिखेगा? हाँ जी श्योर सर। सर मैं मोबाइल में ऑपरेट कर रहा हूँ प्रेजेंटली। हाँ, बहुत ही बढ़िया। ए दीदीपन, हम लोग मिले नहीं है क्या कभी उसमें देवघर में? हाँ, नहीं सर नहीं मिले अभी तक। आपका आपके बारे में बहुत सुना है यहाँ पे, तो हम सोचे आपसे ही सीख लेते हैं सर। देवघर किधर सर? बिहार साइड, झारखंड झारखंड। हाँ में आता है देवघर। हाँ वो मेरे नजदीक ही है, मेरे 1 घंटे के रास्ता तो अभी तो कोरोना के वजह से ऐसा है, नहीं तो मैं वहां पाया जाता। है। आप जाते थे क्या देवघर से? अच्छा हाँ तो हेलो अंजलि जी, कैसी हैं? तो बाकी मैक्सिमम लोगों से मिले हुए हैं। दीदीपन नेक्स्ट बैच में है और नाम हैरी गलत जी हो भी गया नेक्स्ट सर। बैच में है, तो अभी धीरे धीरे बाकी लोग भी देखते हैं, आराम आराम से चाय नाश्ता करके शायद जुड़ेंगे। ये थोड़ा लगता है कि थोड़ा तो पहले आना चाहिए। पर एक्चुअली आपने जो लिंक शेयर किया ना उस पे 9 PM लिखा हुआ है, उसी से शायद कंफ्यूजन हो रहा हाँ है। लेकिन अभी एक तो मैसेज मैं भी अभी पढ़ा कि अभी ज्वाइन कर हाँ रहे हैं सब, तो इसलिए। तो मैं भी पूरा अरे रेडी हो गया था यार, इसके ये पर। भैंस की पूंछ, ये बिल्कुल ही कुछ ना कुछ हो ही जाता है इसमें। हाँ हाँ लेकिन मैं भी मस्त रेडी होके बैठ गया था ये
फिर मैंने देखा 9 PM, तो फिर बोले यार अभी काम, जैसे आपने फिर टेक्स्ट किया ना तो फिर मैंने कनेक्ट किया। अरे यार ये तो बहुत ही मजाक हो गया, 9 PM क्यों हो गया, ये तो 8 होना चाहिए था। इससे पहले आपने सेंड किया था वो 20th हो गया था, फिर आपने करेक्ट किया उसे, बढ़िया। इसलिए सब लोग शायद अपना आराम से डिनर उनर करके आएंगे। ओहो ये तो बिल्कुल ही अजीब मिस कम्युनिकेशन हो गया। मैं भी अभी आपने अपडेट किया है ना, तो शायद आ जाएंगे 10 मिनट्स के अंदर। अच्छा सर, ड्रम पैटर्न में इम्प्रूवमेंट लगा क्या? हाँ नहीं वो तो ठीक है वैसे। बहना है तो बह जा, मैं दस देंगा जो तो मैंने वीडियो दिखानी होगी। अजय मेरा ऑफ है, पता नहीं। एकदम शॉर्ट नेम रख के आए हैं बिल्कुल ही, तो कम से कम चेहरा ही दिखा दो। जनता आवाज सुन रही है। अच्छा तो चलेगा। सर, क्या बोल रहे थे वैसे? ठीक है, तो हम लोग आपस में थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन करना शुरू करते हैं। जो लोग पुराने हैं सब एक दूसरे को जानते ही हैं, और जैसे आप हैरी नाम है शायद ना आपका। हाँ सर, हैरी निकनेम है बट हरविंदर सिंह नाम है एक्चुअली। हाँ, है ना। तो थोड़ा सा अपने बारे में बताएं, हम लोग को पता चले। सर वैसे करेंटली मेरा प्रोफेशन एज एन इंजीनियर है प्रसार भारती में, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग में आता है। बट म्यूजिक का शौक मेरा बचपन से ही था। बट कभी ऐसे प्रोफेशनली लाइक म्यूजिक प्रोडक्शन और रिकॉर्डिंग इसके बारे में कभी सोचा नहीं था। ऐसे प्रैक्टिस करते रहते थे, क्लासिकल म्यूजिक की ट्रेनिंग थोड़ी ली थी स्कूल टाइम पे, उसके बाद से फिर खुद का ही रियाज चलता रहा। तो यूट्यूब पे मैंने अभी आई थिंक 3 और 4 मंथ्स हुए हैं, आई स्टार्टेड माई चैनल, और उसमें मैं मोबाइल से ही रिकॉर्ड करके बैंडलैब से थोड़ा बहुत उसमें इफेक्ट डाल के डाल देता हूँ अपलोड। बट प्रॉपर प्रोफेशनल जो सीखने का है, तो वीडियोज जब देखता रहा तो मुझे अभी तक का सबसे बेस्ट आपका लगा, सो दैट्स व्हाई आई थॉट टू जॉइन। जी, बढ़िया, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दीदीपन क्या कर रहे हो, थोड़ा सा अपने बारे में बताएंगे। आई एम फ्रॉम असम, जोरहाट से हूँ मैं असम, और आई एम करेंटली परसुइंग इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ मैं, अभी लास्ट ईयर में हूँ, तेजपुर यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ, और म्यूजिक का शौक है अच्छा, इसलिए। मुझे लगा आप उधर से हो, देखो मुझे लगा कि आप वहाँ से हो, देवघर से हो। नहीं, यहाँ पे थोड़ा बहुत ऐसे ही थोड़ा काम के लिए आया था, तो यही अभी प्रेजेंटली यहाँ पे हूँ, और यूनिवर्सिटी सितंबर में शायद खुलेगा तो तब चले जाएंगे यहाँ से। अच्छा तो अभी देवघर में ही हो। हाँ जी। अच्छा सही है, बढ़िया है। तो चलो खैर, अंजलि जी कैसी हैं आप। मैं ठीक हूँ बिल्कुल। जी और आपने अपना चेहरा क्यों छुपाया वहां। नहीं, मैं लोगों को ये एहसास नहीं देना चाहती हूँ कि आई एम एंशियंट, बट डजेंट मैटर, इट्स ओके इट्स ओके इट्स ओके। नहीं उसी से तो तो इंस्पिरेशन मिलेगा कि भाई बोला कि अभी भी आप यस कोशिश कर सर, रहे हो। हाँ यस आई सर, नो यू आर लाइक पुशिंग इट टू मच। एक्चुअली आई ऑलरेडी वी हैव सीन यू इन अर्लियर वीडियोस। नो। ओके ओके ओके, दीज आर सम हाँ ऑफ द ओके। हाँ हाँ मतलब बस नटशेल में यही है कि गाने का शौक है बहुत, और अभी आई एम रिवाइविंग आफ्टर आई थिंक 30-40 इयर्स, बिकॉज बीच में थोड़ा बहुत गाना होता था, बट दिस टाइम आई सीरियसली परसू रिवाइव वॉट एवर जो भी सीखा था, जानती हूँ जो भी है। तो अब उसके लिए तो मैंने अरिजीत से पहले भी कहा था कि हम लोग के टाइम में आदत थी कि भाई हम गाते थे सिर्फ, और हमारे सब साजिंदे मिल जाते थे हमें। अब तो खुद ही आई मीन आई कांट टेल यू द स्ट्रगल आई हैव, आई होप यू कुड अंडरस्टैंड। मतलब मुझे कभी कभी ना माइक, मतलब
आता है सब, बट वी आर नॉट सो डेफ. अब सभी लोग, आप लोग इंजीनियर हो यहाँ पे, आई एम नॉट एन इंजीनियर, तो मुझे बड़ी मुश्किल होती है. अब कुछ टर्म मतलब आई एम मैनेजिंग वेल, इट्स ओके, मतलब मैं अपना गाना का थोड़ा बहुत काम निकाल ले रही हूँ, बट लेट्स सी कहाँ पहुँचती हूँ. पर अभी कुछ टाइम में आपका थोड़ा हाथ तो साफ हो गया ना सॉफ्टवेयर पे. आई कांट से दैट, आई कांट से, स्लाइटली बेटर, बिकॉज एवरी टाइम आई ओपन द सॉफ्टवेयर तो मुझे मतलब आपको हंसी आएगी, मैं बताऊंगी. मैंने अब सीख लिया है कि सॉफ्टवेयर के जितने भी नंबर्स हैं, जितने भी डॉट्स हैं, उनको क्लिक करो, कुछ न कुछ निकलेगा, और उसको अप्लाई करके देखो व्हाट कैन यू डू. सो दिस इज व्हाट, स्टिल आई डोंट अंडरस्टैंड रेशियो, बिट थ्रेशोल्ड, वो कुछ थोड़ा बहुत जो सीखा है उसको इम्प्लीमेंट कर दे. और कई बार आपको जो समझ में भी आता है पर वो थोड़ा सा लिस्निंग को बिल्ड करने में टाइम लग जाता है ना, सुन के वो महसूस नहीं हो पाता है वो चीज की एक्चुअली में काम कर रहा है कि नहीं. हाँ, और उसके बाद जब डिफरेंस समझ में आता है तो अब व्हेन आई एम एक्सपोर्टिंग तो वो भी नहीं समझ में आता है कि मैं इतने सारे कमांड्स आ जाते हैं तो थोड़ा सुन के फिर उसको रीडू करके आई एम ट्राइंग इवन स्ट्रगलिंग विद एवरी फेज. वीडियो बनाना है, थंबनेल बनाना है, मतलब घंटों घंटों लग जाते हैं. माई फैमिली सिंपथाइज, नॉट सिंपथाइज, दे फील ओके आई एम ट्राइंग गुड वर्क. नहीं ये तो वाकई में काफी टाइम टेकिंग काम है. जो लोग को ऐसे लगता है कि अरे यार आएंगे यार ऐसे गाना बना देंगे, वो आप देखोगे वो वोकल एडिट ही करते रह जाओगे, एडिट ही करते रह जाओगे, घंटों निकल जाएंगे. नहीं एक चीज और है सर कि मतलब जैसे आप बनाते हो मेहनत करके, आपको लगता है कि अच्छा लग रहा है, आप ये सोच के चलोगे कि आप सामने वाले को दे रहे हो, अपने फ्रेंड्स को बोल रहे हो कि बस सुन के बताओ, वो 3-4 दिन बाद सुन के कुछ रिव्यू देगा. तो मैं मतलब सोच लिया हूँ ऐसा कि यार बनाने अपने लिए बनाओ, अपने को अच्छा लग रहा है तो आप जैसे बोलते हो बेटर म्यूजिशियन एवरीडे, तो वही अपना एम होना चाहिए. इसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा, सेकेंडरी चीज क्या होता है, दोस्त को भेजने के बाद कैसा भी रहे वो बोलेगा अरे यार बहुत. हाँ, वो डिटेल्स ये जो रिव्यू नहीं मिलता है. मतलब आप इतना टाइम लगाते हो कि एक ट्रांजिशन, अब दो इफेक्ट को ऐड करके एक इफेक्ट ओमनिस्फीयर से उठाया, दूसरा आपने कहीं और से लूप लिया, दोनों को आपने एक बस में डाला, फिर आपने कुछ इफेक्ट डाला, वो कोई नहीं ध्यान देगा, वो आप ही को पता है कि क्या होगा. तो ये भी होता है. एक और प्रॉब्लम है कि जो हमारे जो पीयर के लोग हैं, सभी लोग शौक में गा रहे हैं, हमारे जितने भी सिविल ऑफिसर्स के जो फ्रेंड्स हैं सिविल सर्विसेज के, तो वो लोग भी सब लोग गाना गा रहे हैं आजकल. सब लोगों ने एडमिनिस्ट्रेशन छोड़ दिया है, आई थिंक हैरी विल अंडरस्टैंड, तो वो लोग गाना गा रहे हैं ना. द प्रॉब्लम इज कि उनको पता हो गया कि ये व्यूअरशिप इज समथिंग इन ऑन यूट्यूब. अब वो बहुत लोग खोलेंगे ही नहीं आपका यूट्यूब इज ऑन द लॉस इफ दे हैव, आई मीन नॉट अभी तो नहीं बट जनरली. बट आई विल शेयर विद यू विद माई यंगर सन, ही इज वेरी म्यूजिकल. उसने एक अच्छी बात कही, उसने कहा कि मामा आप ये सोच के मत गाइए कि किसको अच्छा लगेगा किसको बुरा लगेगा. इतनी बड़ी दुनिया है, कुछ लोगों को अच्छा लगेगा कुछ लोगों को बुरा लगेगा, तो आप अपने प्लेजरेबली. और मुझे लगता है आप अपना अच्छा लगता है तो कुछ लोगों को अच्छा लग ही जाता है. दैट आई फील. सो तुम अरिजीत के शरण में देखूं मैं कहां तक पहुंचती हूं. और मतलब अगर आप EDM ट्रैक बना करके अपने पेरेंट्स को क्या मतलब ऐसे सुनाओगे, वो लोग यही बोलेंगे मतलब क्या कि मतलब समझ में नहीं आया लेकिन सुन के अच्छा लगा. यही बोलेंगे. नहीं, हाँ, राइट राइट, हाँ, बट ठीक है. लाइक इन माय फैमिली ऑफ कोर्स दे हैव हर्ड मी गाते करते सुना है, बट दे आर सिंसियर अबाउट इट. बल्कि बहुत कोऑपरेशन उनका. आई फील वेरी बैड, मैं आज 10 दिन से कुछ एक चीज में लगी हुई थी और नथिंग हाउस कहा गया, मुझे पता नहीं, बट दे वर सपोर्टिव, सो इट्स ओके. अच्छी चीज काम लगता है. हाय विनायक. हे साहिल. हेलो सर. हेलो हेलो. हाँ कैसे हो? हाँ बढ़िया बढ़िया. विनायक का चेहरा देखा जाए सर, ताकि सबको याद हो जाए. अभी सर बाहर से आए, थोड़ा थक गए क्योंकि मीटिंग जल्दी हो गई, इसलिए मैं बाहर भाग के आया. हाँ. तो थोड़ा हाइट सा फेस है, कोई बात नहीं. फिर भी कैसे देखो टोपी में तो अलग लग रहे थे ना, बिल्कुल ही पता नहीं चल पा रहा था.
हाँ अभी लाइव है ये, वो एडिट किया हुआ फोटो है। कैसे हाँ उधर बाकी कैसे हो? ये सारे हाँ सितंबर बैच किया कंबाइन है? कंबाइन है, कंबाइन है, सब लोग हैं, सब लोग हैं इसमें, है ना, अलग। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मैं सुन ही रहा था कन्वर्सेशन की, हर कोई अपना स्ट्रगल ये कर रहा हाँ है, बता रहा है कि क्या होता है क्या नहीं, तो वही मैं सुन ही तो रहा था। बहुत सारी चीज़ें, मतलब हमेशा तो खाली हार्डकोर म्यूजिक का बात करने से नहीं होता है, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो इम्पोर्टेंट होती हैं जिंदगी में, है ना। हाँ वही तो, म्यूजिक सुनना इज जस्ट अ चाहिए, पार्ट। एक्सपीरियंस, हाँ एक्सपीरियंस गैदर होगा, सुन के जितना आप समझ पाते हो बहुत सही होता है। ना, तो विनायक थोड़ा बताओ हम लोग को अपने बारे में, व्हाट यू डू एंड ऑल। पर मैं अभी वीडियो एडिटर हूँ, मैं वीडियो एडिटिंग करता हूँ लास्ट 6 ईयर से, और ये म्यूजिक मेरे लाइफ में बहुत लेट आया, लेकिन जब भी आया इसमें कुछ चेंज चेंज तो कर दिया। मतलब एक म्यूजिक सुन के और कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करके जो सुकून मिलता है वो कहीं नहीं मिलेगा आपको। आप की कीबोर्ड पे प्रैक्टिस करना बैठते हो तो कई घंटे निकल जाते, पता भी नहीं चलता क्या हुआ। कोई नोट प्ले करते हो, कॉर्ड प्ले करते हो, या कुछ सुन के प्ले करने को ट्राई करते हो, कोई मेलोडी है तो वो सुन सुन के प्ले करने में इतना मजा आता है वो ढूंढने में, कि आप भूल जाते हो कि बाहर क्या चल रहा है। तो वो करते 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 मैंने डिस्कवर किया कि यार मैं खुद भी बना सकता हूँ। जब भी मैंने एक इंस्ट्रूमेंट सीखना स्टार्ट किया, फिर मैं डॉ डॉ में आया। तो पहले मैं एफएल स्टूडियो में था, तो एफएल स्टूडियो से यूज करते करते तो मेरे फ्रेंड ने मुझे एबल्टन बताया। तो जब मैंने स्टार्ट किया तो एबल्टन मुझे बहुत टफ लग रहा था, लेकिन धीरे 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 अभी वो अच्छा लगने लगा। अब मेरा जो इंटरेस्ट था वो एफएल स्टूडियो से हटके एबल्टन पे आ गया, तो अभी वही यूज कर रहा हूँ। तो है बेसिक्स आते हैं, अभी भी सीख ही रहा हूँ, अभी भी बहुत सीखना है। नहीं, थोड़ा फेमिलियर होने में किसी भी DAW में, आप क्योंकि सारे DAW अच्छे खासे पावरफुल है, किसी में कुछ है, किसी में कुछ मतलब, पर किसी किसी का थोड़ा सा स्ट्रांग पॉइंट है, मतलब कि ये वाले डॉ का ये स्ट्रांग पॉइंट है कि ये वाला पर्टिकुलर चीज़ वो आसानी से कर देगा, वन क्लिक में कर देगा, तो दूसरे डॉ का कुछ अलग वो है, मतलब कि वो हाँ अलग टाइप का मतलब स्ट्रेंथ है। हर हर डॉ अपने इसमें एक बढ़िया है, मतलब कुछ ना कुछ अलग अच्छा चीज है। और वो थोड़ा तो लगता ही है, मतलब ना, अगर जैसे मैं रेगुलरली वो कर रहा हूँ, लॉजिक पे म्यूज़िक बना रहा हूँ, आता जबकि मेरे को सारे DAW है, पर थोड़ा सा हिचकिचाहट ज़रूर होता है कि अगर मैं कुछ भी ऐसा, और ख़ासकर अगर मैं कुछ टफ और चैलेंजिंग टाइप का अगर मैं सोचने लगूँगा, तो मैं सोचूँगा कि मैं किसी दूसरे डॉ में अगर फंस जाऊँगा कहीं पे, तो ना, बट क्योंकि जिसके साथ आप, मतलब जो DAW में फैमिलियर आप हो? हाँ रोज काम कर रहे हो, तो यू नो द इन्स एंड आउट, कि आपको पता है कि फंस भी जाओगे तो कैसे निकाल लोगे वहां से, और वो ईज है, देयर इज दिस। और खेल सारा दिमाग का ही है, मतलब है ना, दिमाग में कंफर्ट जोन एक है ना, करने को तो उसमें भी बाकी में भी हो जाएगा। ऑलमोस्ट 80% चीजें सेम होती है, बस थोड़ा घुमा फिरा के हर अलग अलग टॉन में दिया जाता है, तो वो यही चीज हो रहा है। ऐसा की हाल है जानी पाजी? सर। मैंने फर्स्ट टाइम आपके मुंह से पंजाबी सुनी है। हाँ सर उनको पंजाब ऐसे ही बुलाते हैं, सर उनको ऐसे ही बुलाते हैं। मुझे तो लगा अरिजीत को मराठी भी आती है शायद, यू आर एबल टू टॉक आई मीन नहीं, ऐसा कम्युनिकेट। नहीं है, थोड़ा बहुत तो ऐसा, आप सीरीज वीरीज टीवी भी देखते रहोगे तो थोड़ा हो जाता है ना ऐसे में, हाँ राइट है ना, और कुछ लोगों से आप बात करते हो, जैसे आप नेचुरली इतने सारे लोगों से हम बात करते हैं, है ना, तो कोई मराठी आदमी से आप बात करोगे तो वो कई बार ही उसका कुछ कुछ चीज़ें वो जो यूजुअली वो बात करते वक्त इस्तेमाल करता है, दो तीन वर्ड्स आप पिक ही कर लेते हो ऐसे करके। नहीं मैं मराठी को बीच बीच में मैं बोल दूंगा तो हो जाएगा। हाँ अभी मैंने वो क्या कहते हैं, कल ओमकार ने वो गाना डाला ना, तो मैंने ओमकार को फिर मैंने बोला यार ये बड़ा सही आइडिया है कि एक काम करते हैं, एक गाना बनाता है, यू मेक मी सिंग मराठी, तो कहता हाँ ये अच्छा बिल्कुल आइडिया है, तो कुछ थोड़ा चैलेंजिंग होएगा तो। इनफैक्ट सिंगिंग इन डिफरेंट लैंग्वेज इज ऑलवेज डिफरेंट। आई वाज थिंकिंग ऑफ सिंगिंग इन बंगाली हाँ अरिजीत, आई वाज हाँ थिंकिंग क्यों आमी बांग्ला खूब भालो बोलते पारी हाँ नहीं वो और तो इच है, योगा वो तो है, कई बारी हाँ
मेरे को लिटरली लगता है बहुत सारे लोग ऐसे हैं मेरे आसपास जिनको एक्चुअली मेरे से ज्यादा अच्छी बंगाली बोलनी आती है। आई थिंक इट मैट आई मीन देयर आर सम पीपल हु कैन बी आई हाँ, एम क्वाइट कंफर्टेबल विद आप बंगाली. कंफर्टेबल हो आप उसमें? नहीं और नहीं आई एम वेरी कन्वर्सेंट. तो मुझे मुझे असल में क्या होता है कि जैसे आप यूजुअली इतने टाइम से हिंदी में बात कर रहा हूँ ना, मैं तो हिंदी इतना नेटिव हो गया है कि मैं अगर कोई भी दूसरा लैंग्वेज में अगर बात करूँगा तो मुझे हिंदी में सोच के उसको कन्वर्ट करना पड़ता है उस लैंग्वेज में, इट हैपेंस यस. है ना? तो जैसे अगर अंग्रेजी में बात करनी हुई, चाहे इवन बंगाली में बात करना हो, तो पहले मतलब दिमाग में वो चलेगा कि चलेगा क्या है? हिंदी में, और उसके बाद वो कन्वर्ट होगा, तो एक लेटेंसी है मतलब उसमें ना। राइट यस सर. तो जानी पाजी कैसा लग रहा है वो हिप हॉप वाला सेशन जो चल रहा है अभी? सर आज तो मतलब सही करा था वो जो आपने वो जो हाँ वाला सीन करा था ना, हाँ जैसे वो जो लेयरिंग कर रहे थे आप, वो तो फिर ऐसे लग रहा था ये आप ही कर रहे हो, क्योंकि आप वो गाप मतलब कि जो होता है ना डिलीवर भी कर पा रहे थे वैसा. मैं जब सोच रहा, मैं कहा ये सर ने बताया तो था हारमोनीज, बट मैं कहा इट्स नॉट दैट मच इजी. नहीं, वो बस ये है कि थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए उसके लिए ना, और अगर मैं बहुत टाइम तक मैं प्रैक्टिस करूँगा ऐसे करके, तो बहुत तिलस्मी तिलस्मी टाइप का आइडिया आएगा मतलब ना, हारमोनीज में भी। और अगर बहुत टाइम तक नहीं बनाऊँगा तो मेरे भी स्किप हो जाएगा, सबके होता है ऐसा। यस और शुरुआत में अगर आप स्टार्ट करोगे तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आएगा कि भूतिया टाइप के हारमोनीज बनेंगे थोड़े। सर, वो तो मैंने ट्राई अभी भी किया हो रहा था है सर, अभी भी हो रहा है सर. और वैसे बहुत हारमोनीज का थोड़ा सा मतलब क्या रहता है, एक बार एक डाउट मतलब कि जैसे अगर जैसे सी स्केल ले लेते हैं, सी मेजर है ना, अगर ज़्यादा सी मेजर की हारमोनीज होगी अगर मुझे गानी, तो पहले मैं सी पे लूंगा और फिर मैं डी पे चला जाऊंगा, मतलब नहीं शिफ्ट नहीं दोनों जाते हैं. वो नहीं, मान ले कि तेरा सी मेजर का स्केल का गाना है, हाँ जी सी मेजर का स्केल का गाना है। अब मान लो कि अगर मेरा मेलोडी, पहला जो मेरा जो टॉप मेलोडी है बेसिकली, वो टॉप मेलोडी मान लो कि वो सी से शुरू हो रहा है और रिलेटिवली जिस जिस भी नोट पे वो जंप कर रहा है, ठीक एक हो गया ना कि वो जहाँ से जैसे भी जंप कर रहा है, तो उसी हिसाब से मैं सी का जो थर्ड है ना, सी मेजर अगर होगा तो सी मेजर में थर्ड क्या होगा, ई नोट होएगा ना, तो जी मैं जी जी अगली जो मेलोडी स्टार्ट करूँगा वो ई से शुरू होगा और उतना ही इंटरवल्स को मेंटेन करते हुए चलेगा बाकी नोट्स के साथ में, बिल्कुल. ठीक है ना? है वो इंटरवल को मेंटेन करके चलेगा, ऐसे सी और ई के बीच में जितना इंटरवल है, जो वो रिलेटिव था हाँ, तो उस तरीके वो रिलेशन मेंटेन करके चलेगा। उसका जो फिफ्थ हारमोनी होगा दैट विल स्टार्ट फ्रॉम जी नोट, और वो फिर उसके साथ में ऐसा रिलेशनशिप मेंटेन करके चलेगा, वो डिस्टेंस जो होता है ना। ओके. तो तो लेवल थोड़ा अप होगा तो वो उसके नोट वो ही लगेंगे हाँ, जो आप. तो ऐसा भी हो सकता है कि गाना आपका सी मेजर स्केल में है पर आपका मेलोडी हो सकता है स्टार्ट होता है थर्ड नोट से या फिफ्थ नोट से, जो आपका टॉप मेलोडी है। इट इज़ पॉसिबल, है ना, कि आपका जो सुर है वो ई नोट से शुरू होता है जबकि स्केल सी मेजर के में है वो गाना। तो इसका मतलब ये नहीं कि ई मेजर या ई माइनर का गाना हो गया, क्योंकि इट इज़ फॉलोइंग द पैटर्न ऑफ लाइक सी मेजर का स्केल में जिस हिसाब से चल रहा है सब कुछ। तो थर्ड से शुरू हुआ है, तो अब हमारे पास में ये ऑप्शन रहता है कि उसको जो हार्मोनाइज करना पड़ेगा तो फर्स्ट और फिफ्थ को हार्मोनाइज करना पड़ेगा हमको, है ना? एंड देन यू कैन डू द ऑक्टेव्स एंड ऑल, फिर सेवेंथ वेवेंथ जो भी और भी इस टाइप का लगा के भी चलना है कहीं पे, तो वो भी चीज़ें कर सकते हो, है ना? तो वो डिग्रीज के बीच में चलेगा बेसिकली। दो तीन आसान तरीके हैं ऑफ गेटिंग थ्रू हार्मनीज प्रोग्रेस. इजीली। एक तो हो गया जैसे वो पिच प्रूफ वाला सॉफ्टवेयर, नहीं है विच इज़ अ फ्री सॉफ्टवेयर, हाँ हाँ सर, है जो ना? हार वो जो आर्टिफिशियल हार्मोनी बनाया. हाँ, तो टॉप मेलोडी गाओ, उसके अंदर फिर वो स्केल लगाओ, और स्केल लगा के मतलब उसको डुप्लीकेट करो उस वाले ट्रैक को, और उसमें पिच प्रूफ डालो, पिच प्रूफ डाल के पिच प्रूफ में उसका थर्ड सेट कर दो स्केल का, अच्छा तो थर्ड इट नोट सेट कर दो. हाँ तो इट विल वेव का जो डबलर है वो भी सेम चीज करता है, वेव में जो है पर ये भी. हार्मोनाइजर नहीं है ना वो, तो डबलर है ना।
अच्छा मैं क्या करता था सर? हाँ डबलर, हाँ पर डबलर जो है उसमें वो डिग्रीज में नहीं जाता है ना, वो सेमी टोन्स में करता है। सो प्रॉब्लम यहाँ पे आ जाता है कि अगर सेमी टोन्स शिफ्ट करेगा ना, तो ऐसा भी हो सकता है कि वो किसी दूसरे स्केल से नोट बोरो हो जाए ना। ओके हाँ हाँ क्योंकि वो स्केल के बाहर का नोट पकड़ लेगा। हाँ तो वहाँ पे एरर हो जाएगा, तो डिग्रीज पकड़ना पड़ेगा उसको कि थर्ड में रहना है तो उसी के अलाइनमेंट में रहना है। तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, इवन जैसे कि ऑटो ट्यून का जो हार्मनी इंजन आता है, तो किसी भी आप हार्मनी इंजन से अगर खाली खाली वो हार्मनीज को रेंडर आउट कर लोगे ना, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा काम नहीं करेगा। मतलब जब वो ट्रैक में ऐसे पीछे चलता है तो पता नहीं चलता है कि लगता है कि हार्मनी करा लिया है आपने, काम चल गया है। बट अगर आप इंडिविजुअली सुनोगे तो आपको उसमें फ्लॉज सुनाई देगा, मतलब वो पिच थोड़ा अजीब अजीब टाइप का होगा, कुछ भी होगा, बट दैट विल एक्चुअली गिव यू अ रियली गुड आइडिया ऑफ कि मैं क्या मेलेडी गा सकता हूँ, मैं सेकंड मेलेडी क्या गा सकता हूँ, थर्ड मेलेडी क्या गा सकता हूँ, ऐसे करके। मतलब और एक ऑक्टेव का रेफरेंस तो आप, मिल जाएगा, रेफरेंस मिल हाँ जाएगा। तो, और आपको एक रेफरेंस मेलेडी अगर मिल जाती है तो आपको पता है ना कि ये तो यहाँ पे थोड़ा बकवास लग रहा है, मैं इस नोट की जगह पे ये वाला नोट लगा सकता हूँ, है ना। एंड ग्रेजुअली यू प्रैक्टिस अपॉन दैट और उससे बहुत आसानी से हो जाएगा ये। एक्चुअली मेरे को किसी ने वैसे करके बताया नहीं था, तो आई आई टुक, मतलब मेरे को बहुत ज़्यादा समय लगा कंपैरेटिवली टू लर्न हार्मनीज। और बिकॉज मैं जो लोगों को देख रहा था वो लोग अच्छा हार्मनी कर देते थे, बट दे वर नॉट एबल टू टेल यू कि यार कैसे कर रहे हैं, या मे बी सम पीपल आर नॉट दैट मच इंटरेस्टेड ऑल्सो इन लेटिंग यू नो कि यार ही मैं ऐसे कर रहा हूँ। अरे तू, अरे तू एक काम करना, तू ये वाला सुर गा के जा यार, लाइक मतलब सीक्रेट सॉस है वो, है ये न्यूट्रिशन हाँ नहीं कर रहे हैं। इट हैपन्स क्वाइट अ लॉट कि बोलेगा कि तो अगर मैं, मेरे से भी कोई पार्ट गवाया है मान लो, तो मैंने गाया और फिर उसने बोल दिया है कि ये हार्मनी लाइन में ये चीज़ गा दे। एंड शुरुआत में क्या होगा, आर्टिस्ट को ना एक प्रॉब्लम क्या आएगी ना, आएगा कि वो ना अपना लाइन सुनते हुए, मेन लाइन सुनते हुए हार्मनी लाइन गा ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसका वो ना बिल्ट ही नहीं हुआ है वो चीज़। तो बोलेगा कोई बात नहीं, तो ऐसा कर, मैं मेन लाइन म्यूट कर रहा है, तो ऐसा करके इसको गा दे ये हार्मनी लाइन, है ना। बट इफ़ यू जस्ट स्टार्ट मतलब इन्वेस्टिगेटिंग कि भाई क्या है, कि बताओ मेरे को कैसे समझाओ, तो मोस्टली मतलब कहीं ना कहीं बात इधर उधर घूम जाएगा मोस्ट ऑफ द टाइम, एंड यू वोंट एक्चुअली गेट अ फॉर्मूला, ठीक है। तो देन मे बी थोड़ा 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 करके मैंने छोटे छोटे चीज़ें फॉर्मुलेट करें। पहला मेरा फार्मूला ऐसा था कि आप जैसे एक मेलेडी नॉर्मली वैसे प्ले करते हो, उसका फिर उसके बाद कीबोर्ड में ही थर्ड से और फिर फिफ्थ से ही ऐसे करके उसका मेलेडी राइट करना शुरू करते हो। बट दैट इज़ ऑल्सो अ बिट टफ इन द सेंस, क्योंकि उसके लिए आपका म्यूजिकल सेंस बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा ऑलरेडी। समझ रहे हो, ये फ्रीज हो गया क्या? बाकी लोग सुन रहे हैं? हाँ हाँ आ हाँ रही आवाज। सर जी, सर आप जी, ये कहाँ से हो? ये क्या नाम है? विनायक करते हैं। मैं मुंबई से। सर आ गए या हाय पर, ऐसा बीच बीच में ऐसा इंटरनेट चला जाता है ना, उसका वजह से लाइट का हाय। हेलो ऑल। हेलो भाई। हाँ हाय। तो हम कहाँ पे थे? हाँ तो मैं ये कह रहा था कि हाँ वो जो जो नोट वाला जो सीन है ना, कि मैंने पहला वाला मेलेडी बजाया, उसके रिलेशनशिप में मैं फिर थर्ड से बजाया, मैं फिर फिफ्थ से बजाया और फिर उसको गाने का भी कोशिश किया, बट दैट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। और उसमें भी क्या है, भूतिया हार्मनीज थोड़ी ज़्यादा बनती है ना, बिकॉज डिस्टर्ब हाँ मतलब। और कई बार क्या होगा, व्हाट हैपेंस कि आपने पहली जो हार्मनी करी है उसके बाद आपने दूसरी जो हारमोनी निकाली है, वो दोनों आपस में फिर भी ठीक ठाक सुनाई दे रहे होंगे, फिर आप वो दोनों के हिसाब से फिर आप उसके बाद तीसरी वाली हारमोनी सोचोगे ना, तभी तो कॉर्ड बनेगी पूरी की पूरी, पूरी हारमोनी तभी बनेगी ना जब आप तीन लेयर सोचोगे कम से कम। तो अब तीसरा लेयर जो सोचोगे वो या तो सेकंड के साथ में अच्छा साउंड कर रहा होगा, या तो फर्स्ट के साथ में अच्छा साउंड कर रहा होगा, पर तीनों जब एक साथ बजेगा तो ऐसा लगेगा क्या कलेश मच गया है,
थिंग, तो वो चीज को क्लियर करने में दिमाग में कि कैसे करके वो चीज होगा, इट टेक्स अ बिट ऑफ टाइम. पर पहला आइडिया इज कि आप सबसे पहले जो सिंपल जो तरीका का हारमोनी होता है ना, व्हिच इज मोस्टली डन इन लाइक जिंगल्स. जिंगल्स में क्या हो होता है ना, सिंपल सी मेलोडी होगी, नमक होटा टाका, ऐसा ऐसा ही मान लो, ये नमक होटा टाका, नमक होटा टाका, नमक होटा टाका, ऐसा मान लो. जैसे आपका आपका एक वीडियो देखा था मैंने कि आप क्लोजअप करते हैं, उसमें भी किया था आपने. हाँ ये तो पहले ना वो सिंपल वाला चीज को वो कर लो, बिकॉज इट इज फिर भी कंपैरेटिवली इजी टू गैदर. और उस सॉरी सर, ये चीज कहाँ से कहाँ तक गई है अभी, अब जो जो अभी आपने गाया है. रिलेशनशिप में चल रहा हूँ, मान लो कि जैसे अगर मैं ये कह रहा हूँ सा सा, अगर ये मेरा सा नोट है तो मेरा क्या कहते हैं गा क्या होगा फिर, सा गा पा, तो ऐसा करके चलूंगा ना मैं, तो एक गा से उठाऊंगा एक मैं पा से उठाऊंगा, काइंड ऑफ. तो हमने मतलब सारे नोट उसी के ऊपर ही गाने हैं, मतलब हाँ, हमारे जा रहे हैं वैसे ही जैसे. मेलोडी जो है, अगर मेरा पहला मेलोडी सा से उठ रहा है तो अगला मेलोडी गा से उठेगा, उसके बाद वाला पा से उठेगा, रूट थर्ड फिफ्थ, दैट्स द आइडिया, बेसिक आइडिया है ना. तो ऐसे करके चलेगा. अब उसके बाद टाटा नामक, टाटा नामक, टाटा नामक, टाटा नामक, टाटा नामक, ऐसे सारा लेयर कर देगा. तो ऐसा मतलब दो दो रूट हो गए, मान लो कि एक लो पे हो गए, एक हाई पे हो गए, उसके बीच में दो थर्ड हो गए, कोई एक फिफ्थ आ गया, इस तरीके से परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में काफी बड़ा सा ऐसा ग्रैंड टाइप का साउंड बन जाएगा. एंड एक आई वॉन्ट टू शेयर वन एक्सपीरियंस. मुझे आप इतनी हारमोनी की बात हो रही थी तो मुझे याद आ गया, हम लोगों ने एक कॉयर किया था, तो उसमें आई डोंट गाना मतलब ठीक है, उसमें 15 या 15 को मेलेडी गाना था और 15 को हारमोनी हाँ गाना था, भाई, और वो हारमोनी था मतलब ये तो इतना नोटेशंस उतना मुझे भी अब थोड़ा बहुत आएगा शायद. तो हम लोग को गाना था, एक ग्रुप गा रहा था ना 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 ना, और दूसरा उसी में ना 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 ये गा रहा था, और हम लोग को साथ गाना था, हम लोग को साथ गाना था मतलब वो नॉट नीचे ऊपर जा, हम लोगों ने कान बंद करके गाया था बिकॉज वो डिस्टर्ब करेगा, बट वंस इनिशियली, बट जब हो गया कि ओके इट इज अ फ्रेंडली कॉर्ड्स तो हुआ था, तो इतना हार्मोनी की बात आई तो आई थॉट कि वो भी हाँ, एक तो वही मैं कह रहा था कि जैसे राह बता वो बोलते कि रिकॉर्ड करते वक्त वो बोलेंगे कि अच्छा नहीं गा पा रहा है मेन लाइन के साथ में हारमोनी, तो मेन को म्यूट कर देता हूँ, चल तो आई अब गा हार्ट दे इज तो बहुत ही हारमोनी. इंटरेस्टिंग है. मैंने कहा तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, नहीं तो हम लोगों को तो सुन सुन के गाना पड़ रहा था, तो हम लोग ऐसे फेस कर लेते थे या कुछ करते थे, आई डोंट नो. सो दैट इज ऑल दिस एक्सपीरियंसेस. हाँ, तो इस रिलेटेड थोड़ा मैं भी शेयर करना चाहूंगा हाँ, तो हारमोनी मैं का. बात को एक बार, एक सेकंड, मैं बात को हाँ श्योर कंप्लीट श्योर कर लेता हूँ. अब क्या हो गया कि ये जो मैं ये बात कर रहा हूँ ना, सिंपल वाला चीज़ है ये, अचीव करना यूजिंग एनी ऑफ द सॉफ्टवेयर्स, लाइक पिच प्रूफ हो गया, या आपका क्या कहते हैं, या ऑटो ट्यून का हार्मोनाइजर हो गया, या इवन टाइड का आता है, या कुछ भी ऐसा टाइप का वो लगा के, जो आपको स्केल आपने सिलेक्ट कर दिया है और उसके आपने बोला है कि इसके थर्ड दे दे, इसका फिफ्थ दे दे, और वो आ रहा है, तो एक आपको अलग अलग मेलेडीज़ दे देगा ना, तो वो सिंपल टाइप की ऐसी ही टाइप की मेलेडीज़ होंगी, मतलब जो आपका मेन लाइन चल रहा है उसका एकदम थर्ड में और फिफ्थ में सिंपल सिंपल टाइप का हार्मनी होगा. तो अगर आप एक बार थोड़ा सा ट्राई आउट करके उसको क्रैक डाउन कर लेते हो, क्योंकि क्रैक डाउन आपको करना है दिमाग में, वो रिलेशनशिप का जो हिसाब किताब है वो फिट करना है यहाँ पे दिमाग में, मतलब ना इट गेट्स अ बिट ऑफ टाइम गेटिंग यूज टू. इसके बाद में अलग बात आता है कि वंस यू आर कंफर्टेबल डूइंग ऑल दिस थिंग्स, है ना. अब ये है कि हर टाइप के जॉनर में ना थोड़े अलग टाइप से हार्मोनी करी जाती है, वोकल टेक्स, डब्स, कोरसेस, एवरीथिंग करने का जो स्टाइल है हर अलग अलग जॉनर में, थोड़ा जो जिस स्टाइल से हिप हॉप में हार्मनी करी जाएगी ना, उस स्टाइल से जैज में नहीं करी जाएगी.
है ना, और उस स्टाइल से ब्लूज़ में नहीं करी जाएगी और उस स्टाइल से उसमें नहीं करी जाएगी। अब एंड अगर आप बॉलीवुड टाइप का म्यूज़िक कर रहे हो तो आप मतलब आप किस्मत वाले हो कि आपको जो आता है आप वो करके चले जाओगे, कोई मना नहीं करेगा। बट यू नो लाइक देर इज़ दिस स्पेसिफिक स्टाइल, कि नहीं तो फिर क्या होगा कि सारे गाने ना आपके एक ही जैसे लगने लगेंगे, जैसे कि मतलब किसी दंत कांति का एडवर्टीजमेंट हो जैसे, समझ रहे हो? मतलब ऐसा अगर उस टाइप का हार्मनी वैसा होगा तो इसीलिए देर आर लाइक स्पेसिफिक पीपल हु आर लाइक रियली गुड इन टू यू नो दिस वोकल काइंड ऑफ, जो चीज़ होता है जिसको वोकल अरेंजर बोलते हैं, तो एक स्पेसिफिक मतलब निच है बोल सकते हैं कि ये एकदम कि वो एक अलग टाइप का म्यूज़िक डायरेक्टर है, मतलब हु नोज़ कि भाई जॉनर वाइज तरीके से कैसे डब कराना है, किस टाइप से पार्ट्स लेने हैं, यू नो लाइक कैसे बाकी एलिमेंट्स कराने हैं, सो दैट वो एग्जैक्ट वाइब जनरेट होगा। बट हम लोग भी मतलब अगर आप अकेले भी कर रहे हो तो लगभग मोटा मोटा काफ़ी सारा चीज़ आप गैदर कर ही सकते हो, बट अगर आपको एक बार वो आ गया, बेसिक वाला चीज़ आ गया ना, उसको नेल करने में ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि और सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग एक्सपीरियंस भी वही है कि अगर आपका बेसिक ही काम नहीं हो रहा है, अगर आपका एक बार बेसिक काम हो जाता है तो उसके बाद का बाकी का जो सफ़र है वो उतना टफ नहीं है फिर। हाँ पारस क्या कह रहा था? थोड़ा स्टूपिड है बट मेरे को एक्चुअली हार्मोनीज के बारे में कुछ भी नहीं पता था, लिटरली कि हार्मोनी होती क्या है इनफैक्ट। तो बट करना था तो मैं क्या करता था कि वो ट्रैक ऑटो ट्यून लगा के एक वोकल डुप्लीकेट करके, ठीक है, वो ट्रैकिंग होता है ना उसको थोड़ा सा छेड़ता था ना, तो वो पता नहीं मुझे हारमोनी से सिमिलर साउंड करता था, तो मैं वही रख देता था बहुत सारे वोकल्स में। तो वो हार्मनीज तो नहीं है, बस वो थोड़ा सा क्या हो रहा है, ऑफ पिच हो रहा है, और फिर अगर लेफ्ट राइट करेगा तो यू गेट अ लाइक वोकल डबलिंग काइंड ऑफ इफेक्ट, हाँ वही 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 है ना? दैट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम डूइंग हार्मनीज एक्चुअली। तभी वोकल डबलर के बारे में भी नहीं पता था, तो धीरे धीरे करके सारा चीज पता चला। तो ये है। मैंने भी सर मेरे पहले सॉन्ग पे ऐसे किया था, मुझे लगा कि वो शायद हारमोनी है, तो मैंने अच्छा तीन चार बार डब किया, वो बहुत गंदा साउंड कर रहा था, तो मैंने सिंपल क्या किया, एक को रिकॉर्ड किया, उसी की डुप्लीकेट कॉपी लिया, जैसे पारस ने बताया ना, लेफ्ट राइट करके वो ऐसे लगा दिया। तो एनीवेज मेरे को लग रहा है कि वाकई में सब लोग, काफी लोग को लगा होगा कि शायद वो 9 बजे ही है बोल के, हाँ ये मतलब इतना। मैं खुद भी बाहर था जब मैंने ग्रुप में मैसेज देखा 8 बजे, तो मैं जल्दी जल्दी आया, मैंने बोला एक घंटा जल्दी होगा तो आना पड़ेगा, फटाफट आया, मैं कहीं और था, तो मैंने बोला ज्वाइन कर देंगे। तो मैं वही सोच रहा था कि अरे हाँ यूजुअली 8 बजे ही तो होता है, मैंने कहा 8 बजे वाला वो कर नहीं, देता हूँ। ग्रुप में वो 9 बजे का मैसेज था ना, उसकी वजह से मेरे दिमाग में वही था कि 9 9 बजे स्टार्ट होने वाले, तो मैंने प्लान वो हिसाब से किया है। ठीक है। और पर्व कैसा चल रहा है सब? पर्व फ्रीज हो गया ऐसा लग रहा है बिल्कुल ही। ऐसे ही बैठे हैं क्या? पहले मेरे को लगा ऐसे ही बैठा है वो बिल्कुल ही, अभी मेरे को लग रहा है उसका इंटरनेट फ्रीज हो गया है। बस गाना तीसरा है? तीसरा गाना रिकॉर्ड कर रहे हो? वो चला अभी गया तक उसका एक भी इंटरनेट। रिकॉर्ड नहीं करा सर। मैं ये कह रहा था कल मैं ना रिकॉर्डिंग मतलब करके ना मतलब थोड़ी सी ना उसे मतलब एक तरीके से मैं सोच रहा था कि मैं प्रैक्टिस करता हूँ वोकल थोड़ा सा मिक्स करने की, तो मैंने करी, मेरे को ठीक भी लगी, और फिर मैं जब दूसरों के गाने सुन रहा तो मैं कहा यार चीजें तो यही यूज करनी है, उन्होंने भी ये 5 6 चीजें सब ये यूज करते हैं, बट वो जो तरीका पता नहीं मेरे में क्रिस्प क्यों नहीं आ रहा ये, तो एक बार तो एक डाउट भी आ रहा ऊपर से, मैं कह यार ये EQ को मैं तरीके से यूज कर भी रहा हूँ, जैसे होता है कि कहाँ पे बूस्ट करना है कहाँ पे काटना है ये समझना, वो क्लैरिटी दिमाग में थी, फिर मैंने सोचा चलो कोई नहीं ऐसे ऐसे ही सीखेंगे गलतियां कर करके हर कोई। वो टेक्निकल बात थोड़ा ज़्यादा हो रहा है असल में ना, सो उसी में आदमी इतना खो जाता है कि साहिल को तो मेरे को लिटरली
शायद 10 बार एक बात बताना पड़ा कि उसके दिमाग में ये चल रहा था कि यार इस टाइप के जॉनर में ना एक्चुअली ना वोकल में ना टूल्स अलग इस्तेमाल करते होंगे ट्रीटमेंट के लिए। मैं बोला अरे नहीं भाई वही EQ रिवर्ब, वही EQ कंप्रेसर, वही रिवर्ब। तो उसको यकीन ही नहीं हो रहा है, बोला कि नहीं कुछ अलग ही करते होंगे, क्या पता उसकी आवाज़ अलग कैसे है। मैंने कहा अरे उसकी आवाज़ अलग है, वो वैसे ही गा रहा है, तो तेरी आवाज़ उसकी जैसे कैसी होगी। सही बात है। वो डबिंग स्किल्स जब मेरे को पता चले थे कि एक डबिंग स्किल्स भी कोई चीज डबिंग होती स्किल है, उसके बाद में सबका वोकल टेक्सचर अलग है। मतलब अभी ऐसे थोड़ी कि मैं बोलूँगा कि मेरा आवाज़ अरिजीत सिंह जैसा क्यों नहीं है, तो ऐसा तो है, उसका टेक्सचर है बाबा वो अलग टाइप का। अब अगर सेम बहुत चीज अच्छा होता है सर प्रोडक्शन में भी। हम लोग जब कोई ट्रैक प्रोग्राम करते हैं तो हम लोग सोचते हैं कि हमारी मिक्सिंग खराब है, वैसे साउंड क्यों नहीं कर रही है, लेकिन रियल में हम लोग का प्रोडक्शन वो लेवल का नहीं होता है, इसलिए वो प्रोफेशनल साउंड नहीं करता। और इंटरनेट पे भी थोड़ा सा मिक्सिंग का बात थोड़ा ज़्यादा होता है ना, तो नॉर्मली कोई भी वो होता है कि यार वो बोलता है कि मुझे ना मिक्सिंग सीखनी है, आप मुझे मिक्सिंग सिखा दोगे, और मुझे मैं अच्छा अरेंज कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ। तो अक्सर यही पाया जाता है कि बोले कि अरे यार वो अरेंजमेंट का ना उसको पता ही नहीं था कि कैसे साफ सुथरा तरीके से अरेंज करना है एंड ऑल। एंड मिक्सिंग इज जस्ट मतलब 10% काम आखिरी का बचता है, मतलब अरेंज करने के बाद ही वो इतना सही अच्छा लगने लगता है। और अगर आप अच्छे से अरेंज करोगे और फाइनल में एक लिमिटर लगा करके मिक्सिंग इंजीनियर के पास में भेज दोगे, तो 10 बारी तो उसको ही सोचना पड़ेगा कि अच्छा ठीक तो लग रहा है, क्या करने को कह रहा है ना। देन ही व्हेन ही ओपन्स इट अप, फिर देखता है कि बोला क्या अच्छा हाँ यहाँ पे थोड़ा ये फ्रीक्वेंसीज के साथ में मास्क कर रहा है, अच्छा ये इसको थोड़ा सा और क्लीन कर सकते हैं, ये वाले पर्टिकुलर इस पार्ट को मे बी सैचुरेट कर देते हैं, या शायद ये रिवर्ब थोड़ा ज़्यादा लगा हुआ है, या थोड़े इसको कम कर देते हैं, या शायद इसकी जगह पे दूसरा इस टाइप का रिवर्ब लगा। थोड़ा बहुत ऐसा टेक्निकल टाइप का काम कि थोड़ा स्पेस और एक्स्ट्रा बिल्ड कर देते हैं, यू नो लाइक कि हाउ इट कैन साउंड मतलब थोड़ा सा लेस क्लटरी एंड मच मोर फुलर, ये उसका अप्रोच रहेगा। वंस ही हैज़ डन दैट, लाइक फिर वो एक मास्टरिंग इंजीनियर के पास में भेजेंगे कि जो हु विल टेक केयर ऑफ कि मिक्सिंग में, अब प्रोडक्शन में और मिक्सिंग में सारा डिसीजन हो गया है, मतलब ना क्रिएटिव पार्ट सारा सॉर्टेड है, गाना ऐसे ही साउंड करेगा जैसा वो साउंड कर रहा है। उसको मास्टरिंग इंजीनियर का ये है कि एकदम जब वो लिमिट करेगा और एकदम लाउड साउंड कराना है ना उसको गाने को, तो भी वो लाउडनेस रहने के बाद भी मतलब उसको किस तरीके से ऐसे ट्रीट किया जाए कि उसका क्लैरिटी और पंच जो है, डायनामिक्स जो है उसका, वो लूज नहीं हो। तो दैट्स द थिंग। पर वो दैट्स लाइक वो जो एक्स्ट्रा जितना वो है ना कि वो मतलब वो 10% ऑफ द वर्क है, इससे पहले का ही बाकी खेल है। और दूसरा बात है कि कई बार यही होता है कि अनसन टाइप के ट्रैक बना करके लोग भेज देते हैं, और अगर मान लो कि मैं एज अ मिक्सिंग इंजीनियर काम कर रहा हूँ, तो बहुत सारा चीज़ ये भी हो जाता है कि बोले कि अच्छा ये तो रीप्रोग्राम करना पड़ेगा बिकॉज जो सैम्पल उसने डाला है वो किया है। इवन लाइक इन हमारा फिल्म इंडस्ट्री में भी काफ़ी जितने जो दिग्गज मिक्सिंग इंजीनियर थे वो लोग ये कर रहे हैं कि कुछ भी बजा करके भेज रहे हैं, जो म्यूजिशियन मतलब जो अरेंजर लोग हैं वो बजा रहे हैं, मतलब 2 किक लगा दिया है उसने, है ना, अच्छा 4 RPGO डाल दिया है, वो कर कुरा के उसको भेजा है, वो बोला कि ये क्या भयंकर कचरा बना रखा है। तो उसने अपने हिसाब से वो जो फेंकना है बाहर फेंक दिया, अपना नया एक आधा सैंपल डाल दिया, थोड़ा बहुत आगे पीछे कर दिया, और वो एक टेम्पलेट में डाल के ऐसा करके खटाक करके निकाल के दे दिया उसको। बट दैट इज़ नॉट हिज जॉब एक्चुअली। पर इतना ज़्यादा ऐसा हो गया कि अब ही कांट भी लाइक अपना उसके पास नहीं जा सकता ना, फिर म्यूज़िक डायरेक्टर को फ़ोन करके थोड़े ही बोलेगा कि यार ये कैसा तुमने अरेंजर पकड़ा हुआ है कि इतना बेकार काम करके दे रहा है। तो सेकेंड थिंग सर, एक और प्रॉब्लम होती है क्या, जब हम लोग शुरुआत करते हैं ना तो लाइक जो भी इंटरनेट पे हम लोग देखते हैं एज इट इज कॉपी पेस्ट कर देते हैं, तो मिक्सिंग में भी, तो ये मतलब कोई गाइड करने वाला नहीं रहता ना कि ये मतलब आपका वोकल टेक्सचर अलग है, उनका वोकल टेक्सचर अलग है, इसलिए उनमें वो इफेक्ट यूज हो रहा है या इतने लेवल पे कंप्रेशन यूज हो रहा है। सो
सेम कॉपी पेस्ट और बर्बाद काम. अनलाइक वो प्रीसेट मांग रहे हैं ना लोग हमेशा ही कांस्टेंटली मेरे को मैसेज करता है तो प्रीसेट दे दो प्रीसेट दे दो प्रीसेट दे दो. तो बोले यार मेरा प्रीसेट तुम्हारे उसमें काम थोड़ी करेगा ना, तो ऐसे तो फिर क्या ही बात होती. फिर क्या हाल है वर्तिक? मैं बढ़िया सर, आवाज आ रही है मेरी? हाँ आवाज आ रही है. बढ़िया. क्या क्या हो गया अब तक, क्या क्या मिस कर दिया मैंने? कुछ नहीं, ऐसा ही आज तो ऐसा कुछ हम लोग ऐसा वो नहीं कर रहे, बम तो नहीं फोड़ रहे हम. बस थोड़ा इधर उधर की बात कर रहे हैं, जो लोग नए आए हैं थोड़ा बहुत उनसे थोड़ा जान पहचान कर रहे हैं कि वो लोग क्या करते हैं. कल वाला सीन का मतलब एक बार सेंड करूं वो, आप एक बार देखोगे कि ईक्यू में क्या क्या गलती है, थोड़ा सा क्लैरिटी हो जाएगी. हाँ सुनाई दो बैठे हैं जब. सेंड कर देता हूँ ना. सेंड क्या कर रहा है, ऐसे करके शेयर करके दिखा दे हम लोग को. ये सब हो गए ना थोड़े दिन, शेयर नहीं करा कुछ इस पे, पहले तो हाथ चल जाते थे. हाँ तभी तो प्रैक्टिस करा रहे हैं ना हम तुम्हारी. ऐसे आउट ऑफ टच नहीं बना. मैं कल हारमोनियम बजवाया था. शेयर साउंड होगा उस पे क्लिक करो. ठीक है, स्क्रीन पे जाना है ना, शेयर साउंड करना. हाँ शेयर स्क्रीन में जाओ. ठीक है, शेयर साउंड होगा उसके बाद नीचे. उस पे साइड से छोटा सा एरो होगा, उसमें स्टीरियो कर देना शेयर साउंड करके. नहीं मिल रहा क्या? अरे मिल तो गया, ये पता नहीं क्या, ये क्या कह रहा है Zoom, मतलब कि जो Zoom ऐप है वो एबल नहीं है रिकॉर्ड करने के लिए कंटेंट स्क्रीन का, पता नहीं क्या कह रहा है. परमिशन कुछ किया होगा यार. नहीं नहीं रिकॉर्ड कर रहोगे तुमने, क्योंकि तुमने रिकॉर्डिंग पे क्लिक कर दिया शायद. नहीं नहीं वो परमिशन मांगता है असल में, इसने फॉर्मेट किया था कुछ दिन पहले कंप्यूटर. फिर ये कह रहा है ओपन सिस्टम प्रेफरेंस, मैं कहा ठीक है, फिर मैंने उस पे क्लिक टिक मार्क भी कर दिया. ये फिर मतलब कह रहा है कि वो Zoom ऐप वोंट बी एबल टू रिकॉर्ड द कंटेंट ऑफ योर स्क्रीन अनटिल इट इज क्विट. पहले क्विट क्विट करने की जरूरत नहीं है, काट दे उसको. काट दिया बस. डिफॉल्ट माइक्रोफोन मेरी आवाज भी नहीं आ रही होगी. आवाज आ रही है, आ रही है. ये क्या कह रहा है, ओपन कर ले प्रेफरेंसेस, अब क्लोज कर दे, बस हो गया. अभी शेयर ना अब कर लेता हूँ, खोल लेता हूँ. अब ये देखो थोड़ा सा ना मतलब कम हो रहा है, वो जब होता है ना स्टार्ट होने पे वो जो होता है. अच्छा जो गोला सा घूम रहा था हो गया थोड़ा, मतलब कभी कभी होता है कभी कभी नहीं भी होता. एक ये बना रखा है मैंने पियानो प्रैक्टिस का कि इसको अभी एक घंटा इस पे बैठना है, एक घंटा उस पे बैठना है. अच्छा चार चार चीजों में हाथ डाल ली है ना, एक ही चीज में डाला होता कि वोकल वोकल करनी है बस और कुछ नहीं करना. फिर ये होता कि घर वाले के भाई इतने पैसे होते हैं. और क्या था, हाँ ये असल है, ये करा था थोड़ा बहुत.
अभी तुमको और एक काम करना पड़ेगा ना, लॉजिक के अंदर जाके उसका ड्राइवर चेंज करना पड़ेगा, जूम पे डालना पड़ेगा ताकि आम जनता को सुनाई दे। यस यस यू आर राइट। अप्लाई। ओह शिट। कोई बात नहीं, हो गया हो गया, अपने आप हो गया वो। उसको पता था कि तू ऐसा करेगा। मैंने मिल के भी देखा। मेरे फेवर नहीं है। मैंने मिल के भी देख, हाँ मिलता नहीं कुछ, ऊंचाइयाँ छू लेते हैं वो जो मेहनत करते खुद ब खुद, ऐसे ही तेरे करा देंगे काम, बातें सारी फजूल है ये, मेहनत अपनी से करना अपना हसूल है ये, जैसा है सब बढ़िया ब्रो, कबूल है ये, कबूल है ये, घंटों पे घंटे गए 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 वो भी फालतू के, दिल से निशाने मारे हैं जो वो निशाने कभी नहीं चूके, ऐसे ही कामों में डाला है हाथ, सेकंड्स भी दूर तो मिलेंगे टू के, दिन रात काम ही काम, रोटी से ज़्यादा यहाँ पैसों की भूख है, असल है असल है असल है असल है ऐसे नहीं ब्रो, पंजाते गाने सालों का अपना हसल है, डोलों का यहाँ इतना सीन नहीं चलता, यहाँ पे पैसों का बल है, मेहनत करवाती ये सपने पूरे करता चल, अब ये ही हल है। अब ये जैसे है, अब जैसे ये मैंने गाया, मेरे को ना ऐसा लगा कि यार इसमें ना इतना क्रिस्प नहीं आ रहा, तो फिर मैंने सोचा, तो फिर आज मैं सुबह बैठा हुआ था तो मैंने ना मतलब कि वोकल प्रैक्टिस करी, तो मैंने कहा यार साहिल तू मतलब तेरा चल क्या रहा है सीन, एक तरफ रात को तुझे करनी है रैप रिकॉर्ड, सुबह उठना है तूने करनी है वोकल प्रैक्टिस, मतलब तू एक तरफ क्लासिकल मतलब प्रैक्टिस कर रहा है, फिर मैंने सोचा मैं कहा यार चल ये मैंने मिल के भी ये तो सुर पे आना हो गया, फिर मैंने सोचा मैं कहा अगर मैं इस गाने को थोड़ा स्टाइल से गाऊं, मतलब ये है रैप ही रहे बट वो रैप का थोड़ा सा ना एक जैसे मेलोडिक में रहे, तो इस वाले में सिर्फ एक चीज मिसिंग है, वो है एनर्जी, पावर, ठीक है, वो है पावर, और वो इसलिए भी है क्योंकि ये जो तुम्हारा जो नेचुरली जितना प्रेशर से गाना था तो तुमने काफ़ी नीचे उसमें गाया है, तो थोड़ा ऊपर गाना पड़ेगा इसको, मतलब अच्छा। गाना क्या मतलब रैप करना पड़ेगा थोड़ा ऊपर, उसमें थोड़ा एनर्जी थोड़ा ज़्यादा आएगा, ठीक है। तो इसको आप मेरे को थोड़ा सजेशन देना कि अगर मैं इसको ऐसे करके गाऊं कि जैसे है ना क्या था कुछ लोगों का होता है ऐसा कि लोअर रजिस्टर्स पे काफ़ी पावर होता है उनका, पर यूजुअली जो तुम वो कर रहा है ना तो ये थोड़ा सा हायर रजिस्टर पे थोड़ा सा ऐसा करके प्रेशर के साथ बोलेगा तो होएगा वो काम। जैसे ना मैंने मिल के भी देगा मिलता नहीं कुछ, अगर मैं मतलब अगर मैं इसको थोड़ा स्टाइल को चेंज कर दूं, मैंने मिल के भी देगा मिलता नहीं कुछ, अगर कुछ को मैं कुछ थोड़ा सा थोड़ा सा मतलब, पर हाँ तू कर तो सकता है, पर क्या ये जो तू जो थीम जो फॉलो कर रहा है उसको जस्टिफाई करता है कि नहीं जस्टिफाई करता है, इस टाइप से अगर तू कंपोजिशन को कर देगा तो। मैंने ये थोड़ा ऐसे भी बनाया था कि क्योंकि अभी तू बोल रहा है कि अभी जो ये गाना चल रहा है ना, ये गाना तू अभी वैसे बोल रहा है कि हसल के बारे में है ना, इट्स अबाउट कि ऐसे ऐसे ही कुछ नहीं मिलता है, स्ट्रगल करना पड़ता है, एफर्ट लगाना पड़ता है, तो इसमें थोड़ा सा तेरा एग्रेशन है ना, और वो एग्रेशन कहाँ से आया है, दुख से आया है, ठीक है, तो अगर वो तो अभी कुछ भी करेगा ना कॉम्पोजिशन में, इट हैज टू फॉलो दिस थीम, तो घुमा सकता है सुर को, पर जैसे तुम घुमा रहा है वो इसलिए नहीं जस्टिफाई होएगा क्योंकि वो तेरा एग्रेशन और उसको खा जाएगा। जैसे वो रिटन डाउन करा है हमने जो सोच के वो वाली चीज डिलीवर नहीं हो पाएगी। हाँ ये है खेल, सो यू हैव टू बैलेंस इट अप। अब जब मैंने इसको ऐसे गाया ना कि मैंने मिल के भी देखो मिलता नहीं को, मतलब मेरे को लग रहा है ऐसे ऐसे हो तो शायद ये और अच्छा लगे, ट्राई करके देख लूंगा अगर जोन सा बैठा बीट पे सही। अभी मतलब इसमें जैसे एडलिब्स डालने होंगे, जैसे ये भी हो सकता है ना, जैसे मतलब कि ऊपर वोकल मतलब कि ऐसी रखता हूँ जैसे ये ना मैंने मिलके भी देखा हाँ मिलता नहीं कुछ, ऊंचाइयां छू छू लेते हैं वो, जैसे ना कुछ को मैं मतलब कि पीछे से एडलिब्स एक रख के उसको थोड़ा सा तेज बोलूंगी कुछ ऐसे करके, मतलब
मतलब शायद ये आइडिया काम कर सकता है, ये वो कर तो सकता है, पर वो एडलिब्स भी तुम कितना ही भरेगा अगर तुम्हारा मेन जो वोकल है उसमें उतना पंच और एग्रेशन नहीं है तो। हाँ वो तो होना ही चाहिए, वो तो पहले मस्ट है ना, है ना, पहले तो जो लीड वोकल है उसमें तो वो पंच और एग्रेशन होना चाहिए ना, वो तो एक्स्ट्रा अलंकार है जो तुम बोल रहे हैं कि मैं पीछे से ऐड करेगा। मैं डेमो देके दिखाऊं क्या कुछ? आई कैन गिव अ डेमो ऑन इट। क्या था तुम्हारा लाइन? मैंने मिलके भी देखा, मिलता नहीं कुछ ऊंचाई है। अच्छा, ये लाइन है वो। एक सेकंड मैं एक दो लाइन में दिखा देता हूं। मैंने मिलके भी देखा बेटा, मिलता ना कुछ, हसल है हसल है हसल है बेटा, ये तो बेटा ये तो जंग और असल है, ऐसा कुछ था ना तुम्हारा लाइन, यू जो भी था तो वो क्या थोड़ा सा बीपीएम बढ़ाओगे और थोड़ा सा एग्रेशन लाओगे ना तो वो यार मैं मतलब, ऐसे नहीं पाऊंगा जैसे भी आपने गाया मतलब ना? मेरा थोड़ा सा क्या है ना, अभी सर्दी है तो वो कलॉट डिस्टॉर्ट कर रहा होगा तो मतलब जैसे भी गाओ बट इट डजंट मैटर, लोअर रजिस्टर में गाओ हायर रजिस्टर में गाओ, इट शुड साउंड एनर्जेटिक। रैप में क्या है ना कि मैं थोड़ा सा सजेस्ट कर सकता हूँ कि लिरिकली जो स्टोरी है उस पे आपका जो टोन है वो बहुत ज्यादा मायने रखता है, मतलब पूरा गाना को बदलने के लिए और इम्पैक्ट लाने के लिए वो बहुत ज्यादा मायने रखता है, तो अगर वो नहीं रहेगा तो फिर मतलब फिर बर्बाद है। मतलब लिरिकली कितना बढ़िया भी रहे ना तो वो फिर मतलब फिर गया वो। जब तुमने परफॉर्म ही ढंग से नहीं कर पा रहे तो फिर क्या ही बात, क्या ही रैपर। अभी मैं एक सबसे बेस्ट एग्जांपल दूंगा, रफ्तार का अल्लाह भी सुना है किसी ने? वन ऑफ द बेस्ट ट्रैक है वो, मतलब क्लासिकल और रैप को पहली बार ब्लेंड किया था तो वो मतलब एपिक था, तो वो मैं मेरे हिसाब से, और स्वैग मेरा देसी सुनना, वो दोनों में जमीन आसमान का डिफरेंस है। या फिर रफ्तार का औरत सुन सकते हो जैसा नहीं करना है, मतलब लिरिकल आपको डिफाइन करना है उस चीज को। अब हसल है तो फिर यार उसके साथ दिखना चाहिए ना कि आप मतलब हसल दिखा रहे हो अपना, मतलब हसल है हसल है हसल है ऐसे, मतलब थोड़ा सा ये भी आ जाएगा। मैंने एक चीज देखी थी सर, मैंने ना मतलब इसके ऊपर ना थोड़ा सा सर्च आउट करा था कि क्यों नहीं वो चीज, मतलब कि डबिंग स्किल ही मेरे सही नहीं है, बात तो सारी यहाँ पे थी, तो मैंने सोचा यार ये कैसे सही होंगे, तो मैंने थोड़ा सर्च आउट करा तो ना उन्होंने मतलब मैंने वहाँ पे पढ़ा, वहाँ पे ये था कि ना बड़ा जरूरी है कि जब आप माइक पे गा रहे हो ना तो आपका जो मतलब कि जो आपको सुनने वाला होगा ना उससे आपको कनेक्ट, मतलब कि उसको आपको कनेक्ट करवाना है ना वो। हाँ तो वो तो, और वो तभी हो पाएगा ना जब तुम वैसी डिलीवरीज दे पाओगे, डिलीवरी जब दे पाएगा उस तरीके से। कैसे देनी है इस पे थोड़ा सा आप बता दो, क्योंकि आप जो बताओगे ना वो काम की चीज है। नहीं मैं तो वही बोल रहा हूँ कि तुमको थोड़ा सा एग्रेशन बिल्ड करना है डिपेंडिंग ऑन कि जो बताओ ना, मतलब जैसे आप बता सकते हो, आप तो एक्सपीरियंस हो, आपको सभी पता है। नहीं शायद मैं जिस तरीके से मैं एक्सप्लेन कर पाऊंगा पर मैं गा के नहीं बता पाऊंगा वो चीज को, समझ रहा है? हाँ क्योंकि वो बात मेरे गले में अभी फिलहाल नहीं है। हाँ आई कैन बिल्ड अप ऑन इट, जो मैं तुमको ट्रिक्स बता रहा हूँ वो ट्रिक्स करके आई कैन बिल्ड अप ऑन इट, पर उसके लिए थोड़ा सा समय लगेगा। और हाँ मतलब तुम्हारा भी ठीक था, वो अपना तुम्हारा अपना स्टाइल है ना, तो ये है। और पर ये जो एग्रेशन बिल्ड करने वाला है, जो ये होता है ना कि अलग अलग आदमी का ना एनर्जी पॉइंट थोड़ा अलग जगह पे होता है, तो एक तो थोड़ा सा रजिस्टर ऊपर लेके जाना पड़ेगा। अभी तुम्हारा पता है क्या है, तुम ना ऐसा लग रहा है कि अब सिंपल शब्दों में अगर बोलेगा कि तुम रैप जो है वो थोड़ा ऐसा एग्रेशन वाला कर रहा है ना, मतलब मान लो कि, और बातचीत मान लो कि अगर रफ्तार जैसा है तो मतलब उसका गाने का जो स्टाइल है, मतलब उसको गाना तो नहीं, मतलब उसको डिलीवर करने का जो स्टाइल है वो थोड़ा ऐसा हनी सिंह का कोई रोमांटिक गाने जैसा है, समझ रहे हो? ये यहाँ पे ये प्रॉब्लम है। तो अगर तो तू रोमांटिक टाइप का इसमें वो करता बोला कि है दारू भी लेके आएंगे और पार्टी भी करेंगे और तेरे तो ठीक है वो, मतलब
है ना। पर यहाँ पे बात थोड़ी कुछ ऐसी हो रही है तो सही बात है ना। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि मेरा स्ट्रगल है और मेरा वो है तो एग्रेशन है, तो फिर वो फिर ऐसे नहीं चलेगा, मैं तो नाचूंगा मैं तो गाऊंगा, फिर नहीं चलेगा वो स्टाइल से, राइट। तो फिर उसको अप्रोच थोड़ा ऐसे लेना पड़ेगा। तो इसके डिलीवरी के लिए क्या चीज करूं मैं ऐसी कि जिससे मैं डिलीवर कर पाऊं ऐसा कुछ? तो अभी जो ये है कि सबसे पहला तो ये है कि तुम्हारा जो एनर्जी लेवल है वो थोड़ा सा हल्का सा ऊपर का स्केल में रहेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा हल्का सा पिच अप जाएगा, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि BPM हाई करना पड़े बोल करके, क्योंकि मैंने थोड़ा सा ऐसे ही हाँ नहीं मतलब वो पारस का जो है वो वर्क कर रहा था उसके उसमें, बट उससे क्या हो रहा है कि वो कॉम्पोजिशन ही बिल्कुल चेंज हो जा रहा है ना, लाइक रैप का जो स्ट्रक्चर है हाउ यू डिलीवर इट वो बिल्कुल चेंज हो जा रहा है। इवन इफ यू डोंट, क्योंकि वो काफ़ी स्पीड में बोल रहा है, अगर तो उतना स्पीड में नहीं भी कर रहा है ना, एंड वो स्लो भी रखता है, पर फिर भी वो तो थोड़ा एग्रेशन उसमें भी बिल्ड करके लेके आ सकता है स्लो स्लो वर्ड में भी मतलब वो करा जा सकता है, मतलब एग्रेशन लाया जा सकता है। नहीं मैं तुम्हारे उसके लिए नहीं कह रहा हूँ, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि कॉम्पोजिशन वाइज अगर ऐसा है ना कि इट शुड नॉट फील टू समवन कि यार जो स्पीड में होएगा तभी मतलब वो बात आएगा, क्योंकि वो नहीं हर स्टाइल में वो चीज़ निकाला जा सकता है। कि ऐसा भी हो सकता है कि तुम एक ही वर्ड बोलो पर वो तुम वर्ड ही ऐसा बोलो कि मतलब उसी में फट के चार हो जाए सामने वाला। सही बात है। और सर हाँ ये तो चलो आपने काफी क्लियर कर दिया, थैंक यू सो मच, ये तो बहुत अच्छा रहा। एक ना मेरे दिमाग में मतलब जैसे जब मैं मतलब कि रिवर्ब लगा रहा हूँ ना, वो मेरे को ना मतलब ऐसा लग रहा है कि वो एक रिवर्ब अलग सी लग रही है, पर मैं जितने गानों में औरों में सुनता हूँ उनकी ऐसे लगता है बिल्कुल वोकल पे बिल्कुल टच कर रखी है उन्होंने और मेरी थोड़ी साइडों में चल रही है। तो हाँ तो वैसे दूसरा बात ये है ना कि अभी तो दो बात है इसमें। पहला बात है कि चलो ठीक है हम ये मान के चलते हैं कि जो तुम्हारा शायद रिवर्ब जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा रिवर्ब है और उसका टेक्सचर एग्जैक्टली वैसा नहीं है जैसा तुम्हारा इस वोकल के हिसाब से चाहिए था। एक्चुअली तेरा वोकल के हिसाब से नहीं, क्योंकि वोकल का तो पहला बात ही है कि तुम सोच कुछ और रहा है पर तुम ऑलरेडी मटीरियल कुछ और डिलीवर कर रहा है, तुम्हारा रॉ मटीरियल कुछ और है। ओके, पहले तो यही पे चीज गलत होगी, ठीक है ना। इसके बाद तो कैसा भी रिवर्ब लगाएगा तो फाइनली वो उसमें वो वाला बात नहीं आएगा, नहीं पाएगा। क्योंकि दूसरा बात ये है कि अभी जो तुम आवाज़ जो सुन रहा है जो तो तुमको अलग से रिवर्ब एक्स्ट्रा सुनाई दे रहा है क्योंकि तुम्हारा ऑलरेडी खाली वोकल ही वोकल सुनाई दे रहा है, और तुम जिस चीज़ से कंपेयर कर रहा है उसमें तुमको ट्रैक के साथ में सुनाई दे रहा है, तो ट्रैक में कितना रिवर्ब है कितना कैसा उसका टेक्स्चर है उसके साथ तो रिवर्ब पीछे गायब हो जाता है, सुनाई नहीं देता है वो। तो तुम एक सोलो वोकल के साथ में कैसे पूरा का पूरा कंप्लीट मिक्स्ड एंड मास्टर्ड उसको कैसे कंपेयर करेगा? ये मेरे दिमाग में कल रात को आ भी रही थी यही बात, मैं कहा वो सोलो, क्योंकि एक बार आपने पहले भी क्लास में बताया था ना ये, तो वहां से क्लिक हुआ था मेरे माइंड में, मैं कहा सर ने बताया था कि अगर सोलो चीज चल रही है वो अभी मैंने, पर ये जब सबके साथ चलेगी तो ओके लगेगा। हाँ तो सबके साथ के हिसाब से होगा ना, एंड देर इज दिस वेरी सिंपल ट्रिक। बहुत सारा लोग देख, हर कोई एक स्टाइल से रिवर्ब डिले नहीं इस्तेमाल करता है एंड इट्स नॉट पॉसिबल। ये अपना अपना टेस्ट का भी बात है, कोई नमक कम खाता है कोई ज़्यादा खाता है, राइट। कोई मिर्च कम खाता है कोई ज़्यादा खाता है, बट एब्सोल्युटली फाइन, है ना, इट्स एब्सोल्युटली फाइन, पर्सनल प्रेफरेंस। दूसरा कि जिस टाइप का मेरा ट्रैक होएगा डिपेंडिंग ऑन दैट, अब ऑर्केस्ट्रल मेरा अरेंजमेंट है तो ऑर्केस्ट्रल अरेंजमेंट मेरा तब बड़ा साउंड करेगा जब उसमें रिवर्ब ज़्यादा होगा। इट्स अ सिंपल ट्रिक, एवरी प्रोड्यूसर हु टॉक्स एंड थिंक्स अबाउट ऑर्केस्ट्रा उसको पता है ये बात, एंड हाउ ऑर्केस्ट्राज आर नेचुरली रिकॉर्डेड बड़े जगह पे, बड़े जगह पे भी इसलिए रिकॉर्ड करते हैं क्योंकि वो उसका एम्बाइंस बहुत बड़ा होता है, तो वहाँ पे जब ऐसा हॉर्न का फूक मारेगा वो क्या कहते हैं वायलिन को बो करेगा तो फैल के वो इतना बड़ा सुनाई देगा, वो 10 का 20 सुनाई देगा बिल्कुल।
ठीक है, एंड देन इन द पोस्ट प्रोसेसिंग एज वेल थोड़ा फिर से आर्टिफिशियली और भी ऐड करते हैं उसके ऊपर में टू मेक इट साउंड इवन बिगर, स्पेस बहुत बड़ा स्पेस है बोल के। तो अगर तुम्हारा म्यूजिक किस टाइप का है डिपेंडिंग, अगर तुम्हारा वैसा टाइप का म्यूजिक है उसके बीच में तुम एक ड्राई टाइप का वोकल फिट करने की कोशिश कर रहा है तो नेचुरली फिट नहीं होएगा, वो लगेगा ही अजी। तो इन सेंसेस की दो बात है कि अगर कोई मेरे को आके बोलता है कि ए आप इतना ज़्यादा रिवर्ब क्यों इस्तेमाल कर रहे हो, इतना ज़्यादा डिले क्यों इस्तेमाल कर रहे हो, दो बात है। पहला तो बात कि मेरा पर्सनल प्रेफरेंस और टेस्ट कैसा है इन टर्म्स ऑफ है ना नमक और मिर्च और मीठा मैं कितना प्रेफर करता हूँ। दूसरा बात है कि मैं किस टाइप का म्यूज़िक बना रहा हूँ है ना। अगर मैं कोई ऐसा रॉक गाना डाल रहा हूँ तो वो एग्जैक्टली अगर उसमें रॉक म्यूज़िक का प्रेफरेंस थोड़ा ज़्यादा है तो उसमें जो मेरा वोकल का डिलीवरी का टेक्सचर होगा वो भी वैसा नहीं होगा। प्रोसेसिंग में भी प्लगइन सेम लगे होंगे भले ही, पर उसमें भी एग्जैक्टली सेम वैसा नहीं होगा। मैंने आज कमेंट सेक्शन भी देख रहा था तो सब सजेस्ट करने बैठ रहे थे रिवर्ब मत कम कर दो, डिले डाल दो। हाँ, मतलब डिले मत डालो। हाँ, सॉरी, डिले मत डालो। डिले मत डालो ऐसे। और दूसरा बात ये उसको ये नहीं पता है कि फाइनल आउटकम में क्या होगा। बात है ना, फाइनल आउटकम को देखना पड़ेगा ना, पीछे क्या चीज चल रहा है पीछे। अब उस वाले गाने में भी देख पीछे जो हमने ड्रम्स और वो जो चीज़ें हमने इस्तेमाल किया वो हिप हॉप वाले ट्रैक में भी, उसके साथ में पीछे मैंने जो मेलोडी प्ले करी है एक जगह पे मैंने क्लैरिनेट टाइप का साउंड यूज़ किया, एक जगह पे मैंने ऐसे फ्लूट टाइप का साउंड यूज़ किया, पियानो जो मैंने इस्तेमाल किया दैट इज़ लाइक कम्प्लीटली वेट, बहुत ज़्यादा वेट पियानो है। तो अगर मेरा वोकल वैसे टाइप का नहीं रहेगा तो कैसा ही लगेगा वो फिर। जी जी सही बात है ना। और दूसरा बात है कि वो सिंगिंग वाला पार्ट है वो थोड़ा वेट सुनाई भी देना चाहिए था, जो मेरा जो मेन जो जहाँ पे वो रैप कर रहा है वो थोड़ा एग्रेसिव है, और जहाँ पे फिर चीज़ें उसमें घुसती हैं मतलब ना मेलोडी वाले रीजन में घुसती है वो थोड़ा ऐसा लगना भी चाहिए कि थोड़ा मेलोडियस है, फैला फैला है थोड़ा सा ऐसा उड़ी बाबा टाइप्स तरीके है। और ये मतलब कि ध्यान रखना है कि कहाँ पे कौन सा कैसा करना सही रहेगा। तो अपना पर्सनल प्रेफरेंस और डिपेंडिंग ऑन कि कैसा गाना बना रहा है ना। तो रॉक सॉन्ग में जिस तरीके से वोकल प्रोसेस करेगा पॉप सॉन्ग में नहीं करेगा एग्जैक्टली उस टाइप से, पॉप सॉन्ग में थोड़ा ज़्यादा रिवर्ब डिले डालेगा, रॉक में थोड़ा कम डालेगा। सही बात है ना, एंड इवन उसका भी सेटिंग भी थोड़ा अलग होएगा डिले का भी। इवन मतलब बहुत सिंपल सा बात है कि अगर तुम कोई रॉक सॉन्ग गा रहा है तो अगर उसमें एग्रेशन भी बहुत ज़्यादा है तो तुम्हारा सिंगिंग का डिलीवरी भी वैसा होगा, प्लस उसमें जो तुम जो वोकल है उसको ओवर कंप्रेस करेगा थोड़ा सा नेचुरली, उसको शैटर कर देगा बिल्कुल ही ना। पर पॉप सॉन्ग में तुम ऐसा नहीं करेगा कंप्रेस उस तरीके से, गला नहीं घोट देगा उसका वोकल का है ना, वो खराब लगेगा सुनने में। सही बात है, है ना। तो दैट्स द वो मतलब आपके पास में है हर चीज पर आप कहाँ पे क्या डालोगे डिपेंडिंग ऑन दैट। और सर एक मतलब ऐसी बात करते करते जस्ट याद आ गया, कल ना मैं रात को ऐसे बैठा हुआ मैं उसे ना मतलब कि वो कर रहा था क्या कहते हैं एक मतलब इसमें से ना एक वोकल है ये क्या हुआ वो तुम इसी में से दिखा रहा था क्या कुछ। अच्छा चलो, हाय प्रोशन। हेलो सर। हेलो आकाश। आकाश सर। हेलो हेलो सर, कैसे हैं आप? बहुत ही बढ़िया। नए स्टूडियो में बैठे हो क्या? लुक चेंज हो गया? नहीं सर, मैं घर पे हूँ तभी मैंने ऑफ कर रखा वीडियो। तो क्या हो गया? अरे तो चेहरा तो दिखा दो, ऐसा ऐसा क्या हो गया? नहीं नहीं सर, कुछ नहीं हो गया। नहीं दिखाओ दिखाओ। मैं सुनना चाह रहा था सबको। हाँ अच्छा, मैंने देखा इस ग्रुप में भी साहिल ही बोलता है और कोई बोलता नहीं है। ग्रुप में तो मैं बोलता ही नहीं हूँ। साहिल, I have lots of questions. साहिल, साहिल यहाँ तो क्या है, साहिल सोशल मीडिया पे भी हर जगह पे पाया जाता है वो। साहिल always come with the queries. सर मैं कल एक सॉन्ग के बारे में बताया था आपको। हाँ
तो उसका मैं लिंक आपको व्हाट्सएप में भेज दिया हूँ थोड़ा सा। कौन सा सॉफ्टवेयर? नहीं नहीं, एक गाना के बारे में बताया अच्छा, था। अच्छा हाँ, तुम जो कल कह रहा था एक गाना। वोकल टेक्सचर के बारे में थोड़ा सा पूछा, मैं आपको व्हाट्सएप में भेज दूँगा। लुक चेंज हो गया बिल्कुल आपका। हाँ आज थोड़ा मैंने सोचा कि वो करा जाए थोड़ा, सुबह सुबह चेंज किया जाए। हाँ मतलब शेव वेव नहीं किया ना बहुत दिन से। कल रात में जो लास्ट लुक था आपका कुछ और था, आज कुछ और है। आपका जो दोपहर में लाइव स्ट्रीमिंग चल रहा था उस समय मैं आया था तो देखा आपका लुक चेंज है, तभी समझ गया कि सारा सुबह से तैयार है पूरा। हाँ तो मैंने सोचा कि जरा सा वो कर बोली ना। सर ये वैसे एक छोटी सी क्वेरी है। रॉक म्यूजिक फैन? हाँ बोलो, एक सेकंड रुको। आई एम गिविंग अवे 100 फ्री डाउनलोड्स, चेक इट आउट। स्क्रीन नहीं दिख सर, आपने शायद दूसरी शेयर कर दिया। दुआ भी लगे ना मुझे, दवा भी लगे ना मुझे, जब से दिल को मेरे तू लगा है। नींद रातों की मेरी, चाहत बातों की मेरी, चैन को भी मेरे तूने उठगा है। तो इसका जो वोकल है उसमें बोल रहा है ना कि वो थोड़ा सा मेटलिक टाइप का टेक्सचर है ना, है ना? तो उसका पीछे बहुत ही सिंपल बात है कि उसका जो माइक्रोफोन है ना, उससे जिस तरीके से वो वोकल कैप्चर हुआ है, एक तो पहले थोड़ा सा लोज थोड़ा कम कैप्चर हुआ है, ठीक है। दूसरा होता है कि सिंगर का अपना टेक्स्चर भी है थोड़ा, और तीसरा उसने हाइस काफ़ी ज़्यादा ऐड किया है EQ में, काफ़ी मतलब जो एकदम हाई वाला जो शेल्फ है उसमें काफ़ी ज़्यादा बूस्ट किया हुआ है उसने। एंड मे बी कोई प्लगइन, जैसे वो हम लोग वो नहीं इस्तेमाल करते ऑरल एक्साइटर या वो क्या नाम है उसका, और एक हाँ ओटीटी तो शायद नहीं यूज़ किया है, पर ये अरे वो उसका फ्री वाला प्लगइन नहीं आ रहा था, वो क्या नाम है स्टीवन स्लेट वालों का जो क्या आ रहा था, फ्रेश एयर है ना, तो ऐसा टाइप का किसी चीज से काफी हाई जैसा एनहेंस किया हुआ है, है ना इस गाने। और पूरा का पूरा इस गाने का मास्टर में भी अगर ऐसे सुनेगा ना तो गिटार्स का और उसका ना एकदम ही मतलब जो मास्टरिंग के टाइम पे भी जो एक्स्ट्रा ट्रेबल और वो ऐड किया है ना, तो वो गिटार का ना कचूमर ही बन गया बिल्कुल ही, है ना। तो एवरीथिंग एड्स अप, तो हम लोग इसलिए वो नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम इतना ज़्यादा ओवर प्रोसेस नहीं कर रहे हैं। तुम कर तो सकता है चाहे तो, बट माइट नॉट बी एक्चुअली नेसेसरी। वॉइस बहुत ज्यादा शार्प लग रही है ना सर। हाँ बहुत ज्यादा है ना, और ओवरऑल उसमें ही मतलब ट्रैक में भी ना, अगर तुम देखेगा कि अगर मैं गिटार्स वो कर रहा होता हूँ तो मैं बल्कि थोड़ा और कोशिश करता हूँ कि उसका जो हाईज है उसको थोड़ा सा टेम कर देता हूँ ना, लाइक कुछ सैचुरेट करके या वो करके हाईज थोड़ा ऐसा टेम कर देता हूँ। आई डोंट लाइक दैट मच ऑफ ऐसा छांग करके ऐसा करके जो आवाज़ आता है जो बिल्कुल ही ना कान में चुभता है टाइप का। इवन जब मैं हाई हैट्स वगैरह इस टाइप का चीज़ों को ऐड करता हूँ तो उसको भी थोड़ा सा मैं उस तरीके से ट्रीट करता हूँ कि वो छंग 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 ऐसा कान में ना लगे। एंड शायद वो थोड़ा सा इसमें भी थोड़ा सा पर्सनल प्रेफरेंस भी है कि मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा चुभने वाले साउंड्स थोड़े ऐसे पसंद नहीं, मेरे को लिटरली थोड़े ज़्यादा चुभते हैं। और ऐसा दूसरा बात है कि वो ना एक्चुअल जो गाना है या वॉइस है उससे थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट भी करा देता है कई बार, बहुत सारा वैसा टाइप का एलिमेंट होता है ना जो पियर्स थ्रू कर रहा होगा कॉन्स्टेंटली कान में। तो दैट इज़ द आइडिया, पर ये है कि ऐसा किया जा सकता है और सबका पर्सनल वो है ये तो। वो एकदम गिटार का जो वर्चुअल गिटार ही यूज़ हुआ है इसमें और उसका एकदम पूरा वो खत्म हो गया। इवन पियानो भी एकदम चंग 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 ऐसा बज रहा है बिल्कुल ही, सब हाई हो गया सब पूरा। हाँ पूरा वो इंस्ट्रूमेंटेशन खत्म है बिल्कुल ही। सो ये अच्छे के जगह पे थोड़ा सा
this is a bad example to follow. वो एक्चुअल गाने का जो सॉफ्टनेस है ना वही चले गया है. और एक पता है क्या होता है कि देखो क्या होगा, वो वाला कहावत नहीं है कि शूट फॉर स्टार्स, है ना, कि अगर मून पे लैंड करना है तो कम से कम मून पे लैंड होएगा बोल के. तो क्या रहता है कि जो लोग बॉलीवुड का म्यूज़िक को चेस कर रहे होते हैं ना, मतलब कि उस टाइप का म्यूज़िक बनाऊंगा, उस टाइप का म्यूज़िक बनाऊंगा, वैसा नहीं है मेरा मिक्स, वैसा नहीं होगा मिक्स, उन लोग का मिक्स का लेवल आएगा आपका ऐसा भोजपुरी टाइप का. तो जो भोजपुरी को चेस कर रहा है तो सोचो उसका क्या आएगा. तो एंड ऑल्सो लाइक बॉलीवुड इज ऑल्सो लाइक चेसिंग कि भाई जो ऐसा हॉलीवुड टाइप का गाना है वैसा टाइप का होना चाहिए मेरा साउंड, यू नो, लाइक ऐसा पॉलिश्ड एकदम हर तरीके से, यू नो, डिटेल है और ये है वो है. बट स्टिल यू नो हम अगर मैं कोई ट्रैक कोशिश करूँगा बनाने का उसके जैसा, क्या कहते हैं, चार्ली पूथ जैसा या डुआ लिपा जैसा, I'll still end up messing it up in some way. है ना, ड्यू टू वेरियस रीजन्स एंड ऑल, मतलब वो literally उतना ख़राब नहीं भी हो सकता है, बट स्टिल मतलब वैसा एट पार लेके जाने के लिए. एंड मे बी एक बार जब मैं थोड़ा वैसा पहुँच जाऊँगा तो आई वुड रियली लाइक कि कुछ ऐसा कॉन्टेंट बनाया जाए कि जो दूसरे भी फॉलो कर सके, यू नो, कि जो एक्चुअली में मेरा अपना स्टाइल हो, which is not influenced by anyone else. और इसमें ये भी मेरे ख्याल से एक लिवरेज वाला बात है कि जो सबसे ऊपर है वो फिर किसको देखेगा कि मैं किसको फॉलो करूँ. तो मुझे अपना ही करना है कुछ नया, बाकी लोग उसको देख रहे. तो anyways, अगर आप ऐसा लोकल मतलब वैसा टाइप का चीज़ कॉन्टेंट को फॉलो कर रहे हो तो सबसे पहला बात तो ये है कि थोड़ा अच्छा टाइप का कंटेंट को फॉलो करने का कोशिश करो, सो दैट आपको असल में समझ में भी आए कि आपका जो कंटेंट है वो ठीक साउंड कर रहा है कि नहीं. क्योंकि अगर तुम इसके साथ में कंपेयर करके अपना वो बनाना डिसीजंस लेना चाहेगा ना, तो दैट विल बी मतलब वो बहुत ही बुरा हाल होएगा. मतलब सर, ये जो अभी वीडियो जो अभी मैं आपको भेजा था लिंक, ये देव नेक्स्ट लेवल जो है उनका कोई स्टूडेंट है, तो देव नेक्स्ट लेवल उनका क्या कहते हैं इंस्टाग्राम में कुछ रील वगैरह जो स्टोरी वगैरह वहाँ पे लगाया गया था. तो मैं जस्ट ऐसे देखते देखते एक बार देखा तो आवाज थोड़ा सा ठीक लगा, तो मैं भी सोचा कि ये थोड़ा सा वोकल का जो टेक्सचर है थोड़ा सा बस और कुछ नहीं. बट दिस इज अ बैड एग्जांपल. सही बात सर. तो एनीवे अच्छा सर, इसी बात थी कि ना कल मैंने ना जब वो मतलब की रिकॉर्ड करी होगी ना वो कल, तो मैंने जब मतलब की उसे ना जैसे EQ VQ और तुम्हारा आवाज बहुत कम आ रहा है अचानक, क्या हो गया? माइक्रोफोन से काफी दूर है शायद तुम्हारा. अच्छा सर, हाँ मैं ये कह रहा था कि ना उसके अंदर ना मतलब कि ना एक ना अलग सी हाई फ्रीक्वेंसीज की ना चिपकी ना आवाज आ रही थी, मतलब एक वो जो मतलब कि एक क्या कह सकते हैं उसको, एक एक मतलब कि ना टेक होगा ऐसा उसके अंदर. क्या तुम गा रहे थे जिसमें? हाँ हाँ हाँ, वो मैं आपको एक बार दिखाना चाहता था. वो मतलब क्या ही प्रॉब्लम होगी ऐसी की क्यों हुआ ऐसा ना. एक बार शेयर करूं आपके साथ? हो गया ना सर, दिख रहा है ना शेयर? देखो यहाँ पे है वो, आप अगर आप आवाज मैंने भी सुनी थी ना. वो क्या असल 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 ऐसे नहीं ब्रो, पंचत गाने सालों का अपना हसर. यहाँ पे एक साउंड है जहाँ पे मतलब एक टेक है वहाँ पे ना चिक चिक की आवाज ऐसे ही कामों में डाला है हाथ, सेकंड्स भी दूर तो मिलेंगे. देखो ये वाला, ये ना मिल गया, वो थूक की आवाज है, वो कचक करके जो आया है पता नहीं ऐसे करके आ रही है. देखो सेकंड्स भी दूर तो मिलेंगे टू के दिन ऐसे करके ऐसा कच कच की आवाज है, वो थूक की आवाज है, वो थूक की. हाँ
थोड़ी ना डब करते हुए आई है। तो वो आ जाती है कई बार, वो क्योंकि मुंह में बहुत सारा थूक जमा हो जाता है इधर उधर साइड में, तो उसका वजह से वो हो जाता है। तो ये टेक ही खराब हो गया मतलब। हाँ वो होता है, वो इट्स अ नेचुरल फेनोमेनन, बहुत लोगों के गानों में आ जाता है। अच्छा सर, इसको तो RX8 से डीक्लिकिंग कर ये माउट डीक्लिक करके ठीक कर सकते हैं। हाँ, तो उससे क्या मतलब, ये मतलब थोड़ा टेक्सचर खाएगा भी क्या? थोड़ा सा। अच्छा, मतलब माइनर बिल्कुल या हाँ, बहुत माइनर मतलब। अच्छा। उसमें कॉम्प्रोमाइज ये होगा कि अगर कोई चीज बहुत ज्यादा इरिटेट कर रही है, ये साहिल वाला जो ये जो साउंड आ रही है, तो मेरे को लग रहा है शायद अगर म्यूजिक बहुत बजेगा मतलब डिटेल्ड म्यूजिक हाँ, डोमिनेट कर लेगा तो शायद गायब हो जाएगा इसका। हाँ, पर अगर बहुत ज्यादा होता है इनकेस, तो फिर आप ये सोचते हो ना कि यार एक कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, मतलब कि आप या तो कचपच वाला आवाज रख लो या तो हल्का सा थोड़ा सा वोकल कर, हल्का सा एक छोटा सा पार्ट है जिसमें थोड़ा सा डेप्थ में आप कॉम्प्रोमाइज कर लो, एक ही दूसरा ले लो ना। हाँ, टेक दूसरा ले लो, उसमें क्या है। कल मैं मतलब मैं इसको सोचता ही रह गया, मैं कहा यार ये मैंने हाई फ्रीक्वेंसी थी सारी का काफी लोगों का आता है गाते वक्त, उसमें क्या कहते हैं तुम्हारा मुंह के भी बहुत सारे चप 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 की आवाज़ें भी बहुत रिकॉर्ड हो जाती है, कई बार बहुत इरिटेटिंग हो जाती है। अगर बीच में कहीं पे आया है जहाँ पे गाया नहीं है, तो वहाँ पे तो ठीक है कि काट के निकाल दोगे उसको, कई बार वो आवाज़ ही बिल्कुल ही गाते वक्त ही सेंटर ऑफ द एकदम स्टेटमेंट के बीच में घुस के आ जाता है, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है ऐसे में। हाँ, एक जो चीज़ ये है कि जो लोग नया स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही उनके लिए है कि गुड एग्जांपल्स को कैसे फाइंड आउट करें और यू नो कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये वाला जो चीज़ है उसमें कुछ गड़बड़ी है बोल के। तो इन्फ्लुएंस का जो चक्कर है ना, वो थोड़ा सा ऐसा है ना कि सही है कि नहीं है कि गलत है। अच्छा सर, रेफरल ट्रैक से रिलेटेड मैं पूछना चाहूंगा कुछ, लाइक मतलब कोई कवर सॉन्ग है ठीक है, उसका हम रेफरल लेते हैं या फिर ओरिजिनल्स भी है तो कुछ कुछ ना कुछ तो रेफरल होगा, तो वो कैसे पता करें? क्योंकि अगर कवर सॉन्ग ले रहे हैं तो मल्टीपल्स ऑफ कवर सॉन्ग उस चीज के, तो वो कैसे पता चले कि एक्चुअली ये सही चीज़ है? अगर तुम कवर सॉन्ग भी बना रहे हो तो ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें रेफरेंस किसी कवर सॉन्ग का ही लेना है। हाँ, वही मैं बोलना चाह रहा हूँ, अगर ओरिजिनल का भी रेफरेंस लेना है ना, तो तुम लगभग उसी टाइप के जॉनर का कोई भी मतलब ढंग के बंदे का वो भी ले सकते हो। ढंग का बंदा बोले तो कुछ इंडियन फिल्मों में भी एक बड़ा वो है मतलब ना, काफ़ी अप्स एंड डाउन्स है मतलब क्वालिटी में। जो हम लोग का जो गाने आते हैं देखेगा तो जनता सुन रही है उसको इतना वो नहीं है, पर क्वालिटी वाइज अगर सुनेगा तो किसी किसी में ऐसा लगेगा कि अरे वो गाना बज रहा है एकदम, जो रिदम का सेक्शन है पूरा कोरस के पार्ट में पूरा पंच में आना चाहिए, पता चला रिदम का सेक्शन ही गायब हो गया है बिल्कुल ही, है ना, और खाली वो चल रहा है इस तरीके से। बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे प्रॉब्लम रहते हैं जो मतलब उतना अच्छे से टैकल नहीं हुए रहता, तो अगर तुम ऐसे टाइप का गाने को गलती से रेफरेंस में ले लेगा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो कुछ हमको वेस्टर्न आर्टिस्ट के ऊपर ही थोड़ा सा डिपेंड करना पड़ेगा ऐसे में। अच्छा, मतलब लाइक सर जैसे कोई सॉफ्ट सॉन्ग है ठीक है, जैसे कोई रोमांटिक सॉन्ग है, उसके लिए मतलब क्या मतलब किसको मतलब रेफरल ट्रैक ले सकते हैं? एज अ फॉरेनर भी फॉरेन में जैसे सॉफ्ट में तो बहुत सारे लोग हैं जो जैसे कैसा है कोल्डप्ले के गाने काफ़ी अच्छे होते थे ना। अच्छा। कुछ में वैसे जिसमें मतलब पियानो भी होता था, खैर वो तो रॉक में भी है उसमें काफ़ी इम्पैक्टफुल, बट क्या बोले सॉफ्ट में बोले तो एनरिके इग्लेसियस। हाँ, एनरिके, पर एनरिके मैं इसलिए नहीं बोला क्योंकि एनरिके के जो मैक्सिमम अच्छे गाने हैं जो मुझे याद आते हैं वो बहुत पुराने गाने हैं। अच्छा। तो पुराने गानों के साथ में ये है ना कि उस समय का जो रिकॉर्डिंग का टेक्नोलॉजी है तो उससे हम लोग के घर में ही आजकल बहुत ज़्यादा तिलस्मी टेक्नोलॉजी हो गया है, समझ रहा है, तो अब उसके साथ में कंपेयर करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अगर मैं
20 साल 25 साल पीछे का किसी गाने के साथ मैं कंपेयर करूँगा ना अभी के हिसाब के मिक्सेस, तो काफ़ी वो हो गया है, उसमें डिफरेंस बहुत आ गया है हाउ साउंड इज। ये एड शीरन ये भी अच्छे हैं। हाँ एड शीरन का भी काफ़ी वो है, तो काफ़ आर्टिस्ट तो बहुत है, मतलब है ना, मेल में भी फीमेल में भी बहुत हैं, बहुत सारे हैं। फीमेल में जैसे क्या ले सकते हैं सर? फीमेल में बहुत ही ज्यादा आर्टिस्ट हैं यार, मतलब टेलर स्विफ्ट है। अच्छा बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, मतलब एकदम फट से सोचने से इतना याद नहीं आता है, क्योंकि डिपेंड्स ऑन कि मैं क्या सुन रहा हूँ अभी के टाइम पे। मैं पता क्या सोचता हूँ जब ऐसे गाने सुनता हूँ, मैं सोचता हूँ यार ये तो मतलब इसमें सब मतलब कि प्रोफेशनल बंदे ही बैठे थे इस गाने को बनाने, कि एक होता है ना कि प्रोड्यूस किसी और ने करा, गाया भी प्रोफेशनल ने, मतलब सबका एक मतलब अलग ही काम, और यहाँ पे मैंने अकेले सब कुछ करना है और मैं अभी इतना एक्सपीरियंस भी नहीं हुआ, तो फिर ऐसा लगता कि थोड़ा सा काफी डिफिकल्ट होगा वो चीज को रीच करना। बट हाँ अच्छा तो अच्छा तो रहता ही है कि अच्छी चीज को ही फॉलो करना चाहिए। कम से कम डिफिकल्ट तो होगा पर पॉसिबिलिटी भी है उसके हिसाब से। मैं तभी तो ये कह रहा हूँ ना कि अब अगर मैं किसी बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट के साथ में एकदम एग्जैक्टली कम्पीट करने जाऊँगा तो मुश्किल हो जाएगा, बट एटलीस्ट मैं कुछ चीज़ें सीख सकता हूँ और वो इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ उसमें से, मेरा जो भी फैसिलिटी है उसके दायरे के अंदर। जी जी बिल्कुल राइट, और राइट डायरेक्शन भी मिलती है उससे, एटलीस्ट राइट डायरेक्शन तो रहती है। एक चीज मैं शेयर करना चाह रही हूँ, अरिजीत में परहैप्स गिव लाइट ऑन इट। अभी जो ये बातें हो रही हैं गुड क्वालिटी एंड बैड क्वालिटी की बात, तो मेरा ये अभी ऑब्जर्वेशन हुआ है कि फॉर सम रीजन ऑफ कोर्स वी ऑल अग्री टू सम एक्सटेंट कि A.R. रहमान इज द अल्टीमेट और व्हाटएवर इन साउंड और म्यूजिक, ही इज, आई एम माइसेल्फ अ बिग फैन ऑफ हिम, हु इज नॉट, एवरीबॉडी इज। लेकिन एक चीज अभी जो ये हम लोग आप लोग इतना अच्छा सीख रहे हो, सिखा रहे हैं आप, तो म्यूजिक हैज बिकम वेरी डेमोक्रेटिक इन द सेंस कि A.R. रहमान के जितने भी सीक्रेट कोड्स थे वो लोगों ने समझ लिया है। यू मे डिस्प्यूट, यू मे अग्री, यू मे नॉट, आई मीन आई वुड लाइक टू नो, क्योंकि वो जो करते थे वो पहले मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट मतलब कितने साल पहले वो आए, which year he had come. तो उसमें मुझे लग रहा है उनका जो भी स्टाइल है और वो जो बात कर रहे हैं वो अब हम सब लोग को समझ में आ रहा है, क्योंकि when he was talking about in one of the interviews कि आजकल लोग हैं कैसे म्यूजिक बना रहे हैं, तो भाई ऐप है आपके पास फैसिलिटी तो आप भी बना रहे हैं, और उन्होंने भी वही किया उनके फादर का जो भी था और वो था, तो इट हैज बिकम एवरीबडी नोज कि भाई आप जब ट्रैक में लेयरिंग करते हो तो क्या है, A.R. रहमान भी ये करते हैं, वेरिएशंस कैसे डालते हैं, हुक लाइन क्या होता है, ये सब लोग को समझ में आ रहा है। सो आई फेल्ट कि अभी इतना आप लोग मतलब जो भी है टैलेंटेड लोग उसमें इतना पोटेंशियल है कि म्यूजिक हैज बिकम वेरी डेमोक्रेटिक, सो यू विल हैव अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल एवरीबडी जिसके पास कुछ खासियत है, आई मीन I don't know. Ajit can correct me if I am not going in the right direction. मुझे लगता है कि अब बहुत democratic हो गया है और सबके पास जिनके पास है मतलब I'm not saying सबके पास मतलब कुछ ना कुछ हो ही जाएगा अगर passion रहेगा तो they will find their way, उनकी quality भी आ जाएगी। मुझे अब A.R. रहमान का frankly speaking you may dispute me for the last 2-3 years he has not been able to create any magic. Any magic. वो चाहे वो आप कोई म्यूजिक उन्होंने अभी परम सुंदरी वाला गाना भी मैंने 10 बार सुना तब जाके थोड़ा म्यूजिक का ग्रूव से थोड़ा अच्छा लगने लगा बिकॉज रेपिटेशन मेक्स यू फील नाइस। थोड़ा मुझे जो अच्छा लगा वो इनफैक्ट हुतुतु वाला गाना जो उन्होंने किया वो अच्छा लगा मुझे। अदरवाइज ऑल दीज सलीम सुलेमान A.R. रहमान दे आर नॉट एबल टू क्रिएट म्यूजिक, मतलब
और उनका जब भी मैं ओरिजिन खोजती हूँ तो वो पाकिस्तान में बैठे हुए सब लोग अच्छे अच्छे गायक उनका वो रीमेक कर रहे हैं. तो आई एम एविड लिसनर ऑफ ऑल जॉनर एक्सेप्ट मैं वेस्टर्न बहुत नहीं सुनती. तो आई वुड लव टू हैव योर इनपुट्स कि आप मतलब मैं शायद अपने एक्सपीरियंस और उम्र के हिसाब से ऐसे सोच रही हूँ, बाकी लोग क्या सोच रहे मुझे नहीं पता. सो आई डोंट नो अरिजीत विल हैव टू टेल मी कि ऐसा है क्या, क्योंकि मुझे लग रहा है म्यूजिक बहुत डेमोक्रेटिक है, सैचुरेट भी तो बहुत हो गया ना. हाँ यस yes exactly. So this is why they are not able to create anything. तो अब अभी original की हवा आ गई है क्योंकि अब है ही नहीं आपके पास. कितना cover सुनेंगे आप? I think few years back we started with karaoke's. Now people are fed up. और मेरा तो personal opinion है कि karaoke में अपना गाना गाओ इतना गंदा लगता है सुनने में, क्योंकि आपकी आदत है आपने लता और मोहम्मद रफी को सुनना और फट से आप अपना गाना गाते हो. I मतलब मैं कोशिश किया है, मैंने सब लोग कहते हैं भाई गाओ गाओ तो मैं भी गाती हूँ, बट दिस इज ऑल. आई वुड लाइक टू हैव सम इनपुट, बाकी लोग जो सुन रहे हैं तो मैंने जो कहा उसमें कितनी सच्चाई है कितना गलत है, आई डोंट नो. यू कैन एजुकेट मी, इतने यू कैन एजुकेट मी. दो तीन पहलू है. एक तो बात ये है कि जैसे रहमान साहब जब पहले इधर आए, बॉलीवुड का जो भी म्यूज़िक हमने सुनना शुरू किया तो वो थोड़ा नया इसलिए भी था क्योंकि वो इन्फ्लुएंस कहीं और से आ रहा था. राइट है ना. exactly, अभी exactly. क्या हो गया कि अभी अगर आप साउथ इंडियन फिल्म्स में से बहुत सारे गाने अगर आप सुनोगे तो आपको लगेगा कि अरे ये तो ऐसा है, ये तो हमने रहमान साहब के गाने में सुना हुआ. एग्जैक्टली बट दैट वॉज ऑलरेडी देयर, पहले से था वहाँ पे. Yes, his magic has been demystified. His magic has been demystified, but still he is. I mean, he is par excellence, no doubt. But मैं कह रही हूँ कि इतना sound already create हो गया है कि उसमें थोड़ा भी एक मधुर melody या चीज को पकड़ना और सुनना, मतलब it's a gifted बात होनी चाहिए. मतलब कितना हम सुनते हैं. काम तो खैर काफी लोग अभी भी अच्छा कर ही रहे हैं. हाँ कर रहे हैं. उनको आपको ढूंढना पड़ेगा. हाँ, और अगर आप सलीम सुलेमान की भी बात करेंगे, या रहमान साहब भी अपने हिसाब से वो अच्छा ही गाना करते हैं. मतलब ऐसा नहीं है कि ही, मुझे नहीं लगता है कि ही डजंट ट्राई. नो ही ट्राइज. समझ रहे, सबसे बड़ा बात है कि देयर आर सो मेनी पीपल जिन लोग का गाना हम लोग सुन रहे हैं, दे एक्चुअली डोंट ट्राई. वो उन लोगों को पता है कि ये मेरे को कंपनी ने बोला है बल्क में इस टाइप का सामान चल रहा है और ये देना है और मैं दे रहा हूँ, बस बात खत्म. आई जस्ट वॉन्ट टू स्टे रेलिवेंट एंड कीप ऑन मेकिंग मनी. और फ्रॉम देयर टू समवन हु इज एक्चुअली स्टिल पुटिंग इन एफर्ट कि मैं थोड़ा अपने स्टाइल का म्यूजिक करता हूँ और उसमें भी कुछ नया करता हूँ, तो दैट इज समथिंग. मतलब even I think like Salim Suleiman, Amit Trivedi, they are very good. बहुत सारे लोग हैं ऐसे. कुछ गाने तो लॉय हो गए, बहुत सारे लोग हैं. Right, yes. और ये तो हमने कुछ ही वैसे बोला, जैसे विशाल मिश्रा हो गया and how he composes and all. तो बहुत सारे लोग हो गए और ऐसे ही अंडरग्राउंड में बहुत सारे लोग हैं. एंड द प्रॉब्लम इज जैसे कि एक बार किसी बंदे का म्यूजिक चल जाता है ना, जैसे मान लो कि वैसे चिल टाइप का म्यूजिक में किसी का, जैसे पहले कोई उसका गाना नहीं सुन रहा था, क्या नाम है उनका, अरे यार जो इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट है, जो क्यों मैं गुमसुम हूँ ना ना ना, क्या नाम था, अरे यार ऐसा हो जाता है बिल्कुल ही अचानक ना दिमाग से सब बात ही निकल जाता है. इतना म्यूजिक करेंगे तो यही होगा. अरे उनको अभी दिख जाएंगे बिल्कुल ही तुरंत ही. प्रतीक कुहाद अच्छा है ना, इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट. आई लव द म्यूजिक ऑफ अनुराग साइकिया, ही इज आल्सो वेरी गुड. थोड़ा छुपे हुए हैं अभी बट ब्यूटीफुल सेंस ऑफ म्यूजिक. आई डोंट नो कि आप लोगों ने सुना है कि नहीं उनको. तो हाँ ऐसा ही है कि जैसे एक स्टाइल का उनका म्यूजिक आया पहले, जैसे कोई उतना वो नहीं कर रहा था, अगर वो बंदा बूम हो गया है तो नाउ एवरीबॉडी इज ट्राइंग टू बी प्रतीक कुहाद. ये एक परेशानी वाला बात है. आपका पेरेंट्स शो को आए थे, बोले मां-बाप भी चले गए शाम पे. शांति का माइक्रोफोन ऑन.
उनके पीछे बम फूट रहा है। So yeah, and Arijit, you complete please. You were saying something. हाँ तो वो हो गए तो यही है, ऐसे ही इंडी में आई थिंक लाइक ओशो जैन हो गया या कोई ऐसे टाइप के कुछ, कोई एक बंदा किसी भी टाइप का म्यूजिक बना लेता है ना और वो उसका कोई एक बंदे का कोई गाना चल जाता है मान लो, एंड उसके बाद में सब लोग उसी में लग जाते हैं कि यार इसका ये गाना चल गया होगा तो हम भी ऐसा ही बनाते हैं और मे बी शायद चल जाएगा एंड मे बी नॉट, मतलब तो ये बड़ा सीन है इसमें। खैर गुड, अब 12 ही नोट है उसी में से सब कुछ बनाना है। मुझे तो ऐसा लगता है कि सब कुछ बन ही चुका है, जो लिखा जाना था, जो गाया जाना था, जो कहा जाना था, सब हो ही चुका है बस। You are right. है ना, मतलब अब मेरा अप्रोच बहुत ही वैसा हो गया है, इट्स लाइक कि देखो आई लव यू तो बहुत लोगों ने कह दिया है ना, तो पर अगर मैं जिससे प्यार करता हूँ तो मैं जब उसको बोलूँगा तो उसके लिए वो थोड़ा सा अलग टाइप का एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो मैं अपने अंदर से महसूस करके बोल पाऊँ। इट्स नॉट लाइक कि मैं बोलने के लिए बोल रहा हूँ, मैंने महसूस किया है और मैंने अपने स्टाइल में उसको बयां किया है। इट्स नॉट अ न्यू थिंग बट मैंने अपने स्टाइल में बयां किया है। सो लाइक म्यूजिक इज़ ऑल्सो लाइक समथिंग लाइक, मैं जो लिख रहा हूँ वो ऑलरेडी लिखा जा चुका है, जो मैं बात कर रहा हूँ वो ऑलरेडी बात कही जा चुकी है, मैं जो धुन पिरो रहा हूँ वो ऑलरेडी किसी ना किसी फॉर्मेट में हो चुका है, बट अभी जो मैं जिस तरीके से जिस सेंस में कर रहा हूँ उस चीज़ को, वो थोड़ा अप्रोच मेरा है। एंड दैट इज़ वाई एज वेल कि बहुत बारी मतलब जैसे कभी मुझे भी आइडियाज़ आते हैं, कभी मेरे साथ में काफ़ी लोग हैं जो मतलब ऐसा अच्छा भी सोचते हैं ना कि यार यार अरिजीत तू वायरल होता तो कितना अच्छा लगता हमको, भी बढ़िया लगता है ना, तो दे वुड से कि यार अभी ये ना ये चीज़ चल रहा है और वो चीज़ चल रहा है और ऐसे करते तो ये चीज़ बना दे वो कर दे, तो मुझे भी पता है कि शायद कर दूंगा अभी एंड इट्स जस्ट मेरे लिए शायद एक रात का फाइट है यू नो लाइक डूइंग दिस थिंग, और कल ही डाल सकता हूँ मैं अगर मैं ये चीज़ कर लूँगा तो, और शायद हो सकता है चल भी जाएगा, बट फिर कभी कभी ऐसा ना अंदर से भी नहीं मानता है कि यू नो लाइक मैं करूँगा क्या इस चीज़ का, बिकॉज आई डोंट एक्चुअली बिलीव इन दिस थिंग एंड। पर वायरल अगर एक दिन हो भी जाए किसी का तो आर यू एबल टू सस्टेन, आई मीन दे आर नॉट, हां वही वायरल थिंग बिकॉज़ वायरल इज जस्ट अ फ्लूक फॉर व्हाटएवर रीजन, अभी वो एक बच्चा गा रहा है तो उसका है वायरल और कुछ और भी है, तो वायरल इज जस्ट आई मीन वायरल्स ओनली, तो ठीक है। प्रशांत भाई अरे आप आ गए, हेलो हेलो माइक टेस्टिंग 1 2 3। तभी वो कौन से आर्टिस्ट है वो जो दो मतलब वो जो मैरिड कपल्स हैं और वो जो भी कवर सॉन्ग्स बना रहे हैं और गा रहे हैं, शायद आपने भी उनको देखा हो? देखा ही होगा, वॉइस इंडिया से है शायद वो लोग, क्या नाम है वो स्पेक्स लगा रखा है, सचेत सचेत और वो क्या नाम है परंपरा एंड सचेत, हाँ परंपरा एंड सचेत, परंपरा वो तो काफी सालों से टी सीरीज से साइन है ना, तो अब ये भी परेशानी है ना लाइक इफ़ यू जस्ट साइन टू अ कंपनी वो उसको तो चाहिए कि भाई कंटेंट 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 फटाफट बना के दे, या तो कवर बना के दे या तो ऑलरेडी बना बनाया ऐसा मटेरियल है इसको इसके जैसा बना और डाल और दे, मेरे को तो कंटेंट दे हर हफ्ते। कुछ भी दे लेकिन दे दे, हाँ जस्ट ब्रिंग इन सम बिजनेस ऐसे वो, तो फिर वो बात है, पर आप अगर आर्टिस्ट हो खाली आप कुछ अलग टाइप का करना चाहो तो कई बार आप को टाइम लगेगा टू गेट देयर ना, तो समय लगेगा उसको बिल्ड करने में, तो अभी हम लोग जरा सा प्रशांत भाई को सुनेंगे और देखेंगे। उससे पहले कि वो कुछ कह पाते हैं हम पे कुछ कह देते हैं ना। हमारे नए अभी नए लोग कौन कौन से हैं सितंबर बैच में?
सेप्टर बैच में आप हो गए अंजलि जी, और क्या कहते हैं आपका साथ देंगे दीदी पौन। मैं तो लगता है सभी बैच में आ जाऊंगी। और आपका साथ देंगे हैरी जी, और अच्छा अच्छा आपका साथ फिर से देंगे जानीपा जी, और ओके और भी लोग हैं जो आज आए नहीं है समहाउ, आए नहीं, राइट राइट ओके गुड। अभी जैसे विशाल का भी मैसेज आया कि शायद स्किप हो गया है सम फॉर सम रीजन। ओके तो कैसे स्टार्टिंग करनी पड़ेगी ये जैसे गाने के लिए क्या कह रहे हो, आवाज कम आ रही है आपकी। सॉरी, रैप के लिए क्या करना पड़ेगा भैया, रैप जो सीखना होगा हमें, मतलब आप कह रहे हो कि अगर आपने खुद रैप करना हो तो आप तो सुन ही रहे हो, आप तो थोड़ा बहुत कर ही रहे हो अपने स्टाइल में, बस बोल दो उस बात को। बट जैसे वो साहिल भैया कह रहे वैसे एक एक्सरसाइज कर रहा है ना कोई, जैसे सुबह अपना क्या कहते हैं वो, साहिल तो फिलहाल थोड़ा कंफ्यूज है। सर सर मैंने जानी बाजी से काफी बार मतलब कि ना कांटेक्ट करने की कोशिश करी, मैंने सोचा जानी बाजी टाइप के बंदे, मैं कहा इनसे काफी कुछ सीखने को मिलेगा मुझे, क्योंकि जैसे इनकी बीट है जहाँ पे ये रहते हैं जो इनका बिल्कुल मेरा सेम ही टेस्ट है। मैंने जानी बाजी को दो तीन बार कांटेक्ट भी करा था, मैंने मतलब कोशिश की, पर मेरे को जानी बाजी पता नहीं कौन सी टेंशन में है, बात ही नहीं कर रहे। मैं कहा चलो उनका कुछ पर्सनल होगा, मेरे को क्या ही पता। मुझे किसी ने नहीं मैसेज भेजा भाई यार। नहीं, आपको मेरी साइड से काफी मैसेज गए हैं, मैं मतलब ट्राई करा कि मैं बात करूं, मेरे को नहीं पता था कि जानी पाजी थोड़े शाय है, मतलब फर्स्ट होता है ना कुछ होगा कि फर्स्ट मीटिंग में थोड़ा सा वो करते नहीं, वो शाय नहीं है, अभी अभी डांट देंगे तुमको। पंजाबी है यार, बहुत बोल्ड है, बहुत बोल्ड है, अभी पकड़ के तुमको, अभी पकड़ के तुमको वहीं से पटक देंगे। क्यों भाई, अच्छा लगे किसी को बुरा लगे, डायरेक्ट बोलना, पीठ पीछे। सही बात सही है कि नहीं, सही एकदम सही बात की बात है, सामने बोलना है, पीठ पीछे नहीं बोलना। हाय गुरशील यार, जो पीठ पीछे बोलते हैं। हां जानी बाजी, आज मैं आपको फिर टेक्स्ट करूंगा। श्योर श्योर, मेरा नंबर आपके पास होगा ना, हैक कर देना, कोई बात नहीं पर मुझे इतना नहीं आता भैया जैसे आप सोच रहे हो ना, मैं भी आपके जैसा ही हूँ यार। नहीं नहीं, पर सबका अपना अपना हुआ है ना लिसनिंग स्किल, और अपना हर चीज है उसके हिसाब से वो चल रहा है, है ना। तो अंजलि जी अभी अभी पूछ रही थी कि और कौन कौन होगा उनके साथ में, तो गुरशील भी आपके साथ में होंगे। तो गुरशील जी थोड़ा सा अपने बारे में अगर आप सबको जरा बताएं। हेलो, आवाज नहीं आ रही गुरशील जी आपके। सर वैसे आपके पास कोई आइडिया है इस बात का कि जैसे जोन से पार्टी सक्सेसफुल होते हैं तो मतलब कि ऐसा नहीं कि गाना बस चला और वो बैठ गए, नहीं चलता ही जा रहा है, एक बार चला तो फिर वो मतलब कि उनको काम भी आता है करना और वो कर भी रहे हैं, अपनी ऑडियंस से कनेक्ट कर पा रहे हैं। तो मतलब कि क्या मतलब कि मंथली अर्निंग उनकी क्या होती होगी, थोड़ा सा आइडिया है आपका, आपके मतलब काफी वास्ट रेंज है अगर देखेगा तो कि कितना अर्निंग होता होगा किसी आर्टिस्ट का, बट इट्स समथिंग कि जो मतलब बहुत ही अच्छा अर्निंग, मतलब अगर तुम थोड़ा सा भी एस्टेब्लिश हो जाता है तो ऐसा नहीं रहेगा कि तुमको कोई दूसरा जॉब करना पड़ेगा या कुछ वैसा करना पड़ेगा, यू कैन पूरे हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल, ड्रीम्स पूरे हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं ड्रीम्स पूरे, है ना। बट मेरे को लगता है कि सबसे पहला ड्रीम तो एक म्यूजिशियन का तभी पूरा हो जाता है जब यू नो कि यार आई एम एबल टू डू म्यूजिक एंड सस्टेन माई सेल्फ जस्ट डूइंग दिस थिंग। पर विद टाइम क्या होता है ना कि मैं अपना एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, व्हाट हैपेंस कि हम थोड़े इतने ही अनथैंकफुल होते हैं कि जब हम इस काबिल हो जाते हैं कि यार अभी तो मैं इससे कर रहा हूँ, तो उस चीज़ का ना इम्पोर्टेंस ना धीरे धीरे थोड़ा सा ना फेड अवे होने लग जाता है जब तक कि अगला धक्का ना लगे। एंड
और फिर दूसरी चीजों में आदमी बोला कि ये तो चल रहा है, अभी इसका क्या है, है ना। तो वो है, बट लेकिन पैसा तो ऐसा है कि बना ही सकता है, एंड देयर आर लाइक मल्टीपल मल्टीपल रेवेन्यू स्ट्रीम्स वंस यू अंडरस्टैंड कि हाउ टू डू समथिंग, है ना। और बहुत सारे जॉनर्स ऑफ ये जो चीज़ है जिसमें आई हैव टैप्ड इनटू, मैंने बहुत सारे अलग अलग टाइप का काम किए, अभी भी बहुत सारे अलग अलग टाइप के काम हैं जो मैंने नहीं किए, है ना। एंड वो रहता ही है बिकॉज इट्स सच अ वास्ट फील्ड, बहुत वास्ट फील्ड है, ठीक है। तो पर पहला बात ये आता है कि आपको सबसे पहले तो मैक्सिमम अगर किसी को भी ये सोच के चलना है कि यार इसी से मतलब फुल टाइम यही करना है और कुछ भी ऐसा करना है, तो पहले तो आपको मल्टीपल टाइप के काम आने होंगे इस चीज़ में। मैंने तो वैसे सर पता है क्या सोचा हुआ है, जैसे अगर जो मैंने अभी तक सोचा हुआ, मैंने ना मैं तो प्रोडक्शन में आ गया ये सोच के कि मेरे को अपने गाने बनाने हैं, तो और मुझे पता था ये तो इतनी मतलब कि ये तो पूरी साइंस है प्रोडक्शन जितना बना सकता हूँ बनाऊ, और फिर आगे जाके जैसे मतलब जैसे एक आर्टिस्ट होता है ना कि लेबल से साइन हो रखा है, वो गाता है, हायर सब अपना अपना काम कर रहे हैं और वो भी अपना ही काम कर रहा है एक पार्ट में, मतलब कि मैं तो ऐसा सोच के बैठ ऐसा करना चाहता हूँ, कोशिश कर रहा हूँ मैं कि ऐसा ही हो। बाकी अभी जैसे अभी तुम कर रहा है, करते 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 हो सकता है कुछ समय में तुम्हारा ड्रीम्स और एस्पिरेशंस भी थोड़ा बदल जाएगा, है ना। हाँ वो तो एक शायद वो ऐसा भी हो सकता है ना। अंजलि जी पूछ रहे हैं कि और कितना देर हम लोग कंटिन्यू करेंगे। हेलो सर। हेलो। हाँ गुरशील जी अभी आ रहा है। सॉरी वॉइस नहीं आ रही थी पहले और मैं थोड़ा लेट हो गया, सॉरी। कोई बात, काफी लोग तो अभी तक नहीं पहुंचे। मैं शायद मूवी थोड़ा मूवी देखने चला गया दोस्तों के साथ, मेरे को याद नहीं रहा। तो वही है। हाँ तो थोड़ा सा अपने बारे में बताएं हम सबको। मैं सर बैंक में जॉब करता हूँ, HDFC में, और सिंगिंग मेनली मेरा जो है सिस्टम, मैं सिंगिंग करता हूँ। मेरे एक दो खुद के गाने भी आए हैं। सीख ले ये काम, म्यूजिक खुद ही करना स्टार्ट कर दे, तो इसलिए फिर मैंने ये सेटअप सारा स्टूडियो वगैरह बनाया घर पे। तो जब शुरू किया तो फिर कुछ पता नहीं चला, तो फिर आपके जो लेसन देखे तो फिर मैंने सोचा चलो क्लास ज्वाइन करते हैं। थोड़ा सा मेरा इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था हल्का सा। हाँ ठीक है, बट आई गेट द जेस्ट कि जी। हाँ जी बस मैं मतलब हेलो जी, आ रही है आवाज आ रही है। मैंने कहा कि मैं मतलब अपने गाने करता हूँ खुद के लिखे हुए। तो म्यूजिक का खर्चा बहुत आ जाता है। और जो मेरा म्यूजिक करते हैं मतलब वो मुंबई से हैं, शुभदीप जी। तो उनका जो लास्ट मैंने गाना किया मेरा 1.5-2 लाख उसपे इन्वेस्टमेंट होगी मेरी ऑडियो पे। तो फिर उस हिसाब से मैंने सोचा अगर ऐसे तो फिर मैं वीडियो भी नहीं कर पाऊंगा गाने का। तो फिर मैंने सोचा कि अपने खुद के गाने का म्यूजिक खुद ही स्टार्ट करूं, तो फिर मैंने ये सेटअप सारा लगाया। तो अभी शुरू किया है, अभी सीखेंगे आपसे तो चलता जाएगा। मतलब म्यूजिक की नॉलेज तो है लेकिन मेरे को वो नहीं है, मतलब सिस्टम क्या बोलते हैं इसको, स्टार्टिंग की नॉलेज नहीं है कि कैसे शुरू करना है, क्या है सिस्टम जो भी है ना। क्योंकि मैं कंपोजिशन वगैरह बना लेता हूँ, खुद लिखता हूँ मैं, लेकिन मेरे को वो नॉलेज नहीं है कि इसको स्टार्ट कैसे करना है सॉफ्टवेयर से जो कुछ भी है। कोई बात नहीं, हो जाएगा
हो ही जाता है, वो थोड़ा बहुत कम समय, किसी को थोड़ा ज्यादा समय लगता है बट हो जाता है। अभी मैं स्टार्ट करता हूँ कुछ बनाना, स्टार्ट करता हूँ तो बनता नहीं है तो फिर मेरे को नींद आ जाती है फिर मैं सो जाता हूँ, पीछे मैंने बिस्तर भी लगा रखा है तो मैं फिर सो जाता हूँ। एक्चुअली बेस्ट वे है थोड़ा मतलब मतलब एग्रेशन से तो अच्छा है कि थोड़ा रेस्ट कर लो यार। पहला बात ये तो पेड़ अपना हटा लीजिए, क्योंकि मेहनत करना है तभी फल मिलेगा। वो क्या होता है ना कि मेहनत जब मेहनत करते हैं तो फल नहीं मिलता, इसलिए सो जाते हैं। मैं 3 साल से कर रहा हूँ अभी तक फल नहीं मिला है, चल रहा है। ए, तुमको मिला ना अभी फल, एक तुम्हारा गाना वायरल हुआ ना अभी। हाँ सर, थोड़ा बहुत हुआ आपकी कृपा से, बस और कुछ चल रहा है, पीछे चल रहा है, प्रोजेक्ट चल रहा है, पीछे 2-3 प्रोजेक्ट और काम चल रहा है सर, आएगा। उसका गाना एक एकदम ऐसा तमाम वायरल हुआ अचानक प्रोसेन का, बिल्कुल ही। ये तो बड़ा मतलब सही सीन है कि आप मतलब कि फुल टाइम जॉब करते हो ना साथ में। हाँ नहीं, क्या नाम था उनका, गुरशील जी। हाँ जी, मैं 9 से 9 ही होती है मेरी शिफ्ट HDFC में, तो आके मैं म्यूजिक करता हूँ। थोड़ा सा हार्डवर्किंग होता है। हाँ, टारगेट्स होते हैं, हार्डवर्किंग है। पता है, पता है, मेरा दोनों दिन में दिन में तो मैं भूल जाता हूँ कि मैं गाता भी हूँ। अच्छा, मेरा रात को वो वाला हाल है। बैंकिंग में जो होता है सर, मतलब 365 डेज ही मार्च का महीना लगा हुआ रहता। लेकिन मतलब जब मैं बैंक में स्टार्ट किया था, मैंने 5 साल हो गए मेरे को, लेकिन जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरे इंटरव्यू में उन्होंने पूछा था कि तुम सिंगिंग सॉन्ग ये राइटिंग वगैरह करते हो जो भी है ना, तो ये तुम भूल जाओगे। अभी 5 साल हो गए, तो जिसने मेरा इंटरव्यू लिया था मैंने उसको कहा कि यार मैं भूला नहीं अभी। सही बात, सही अभी भी चला है मेरा साथ में। नहीं, काफी लोग नहीं कर पाते हैं, बहुत सारी जिम्मेदारी आ जाती है, फिर थोड़ा 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 कम्फर्ट जोन भी आ जाता है, है ना, तो बहुत सारी बातें हैं सब, और हर आदमी तो एक जैसा नहीं होता ना। यही तो, है मतलब असली खेल। बिल्कुल बिल्कुल, हर कोई नहीं कर पाता सर। तो प्रशांत जी आ गए हैं लाइन पे, मतलब ऑनलाइन। प्रशांत भाई ने खतरनाक चोटी बना ली है ऐसा लग रहा है। वही वही मैं अभी देखा उनका। तो कुछ बालों, लंबे काले घने बालों के लिए कुछ टिप्स सर प्लीज बताइए। उसके लिए ये है कि कोरोना कायम रहे, अब नाई के पास ना जाओ, ये टिप है। बेस्ट ऑप्शन। कितने लंबे हो गए यार आपके? बिल्कुल ही बहुत ही ज्यादा लंबे लग रहे थे। मैं फरवरी 2020 से घर से बाहर नहीं निकला हूँ, और अगर इंडिया में भी लोग नहीं निकलते तो हम अभी सभी बाहर खुले में होते हैं, तो ये सब आप लोगों की वजह से हुआ, डेल्टा वाले लोग जो इंडिया में हैं झंडा फहरा रहे। नहीं देखो, ऐसा है, मेरा कंट्रीब्यूशन नहीं है, मैं तो मतलब 2020 से घर के अंदर ही हूँ। मैं भी बिल्कुल घर के अंदर, मैं तो खुद नहीं गया, लोगों को नहीं बुला रहा हूँ, बहुत ही ज्यादा वैसा हो गया है। और बताइए कैसा चल रहा है सब? बाकी बहुत अच्छा चल रहा है, एंड रही म्यूजिक की बात तो वो तो एक पार्ट हो गया लाइफ का, सो सुबह शाम जब भी टाइम मिले बेसिकली, और शायद आप मुझे समझ में आए म्यूजिक क्यों करता हूँ, कि आई जस्ट लव इट, दैट्स इट, बाकी क्या होगा आई डोंट केयर, आई डोंट वरी। तो ये समझ में आने में टाइम लगता है आई थिंक, लेकिन वंस यू रियलाइज इट तो सब चीजें अपने आप होने लग पड़ती हैं। तो जैसे आप कुछ प्रैक्टिस कर रहे हो, वन डे नहीं होता लेकिन नेक्स्ट डे उठते हो तो अचानक से होने लगता है। तो जो टीचर्स थे वो सब यही कहते थे ऐसा हो जाएगा, लेकिन अब हो रहा है, तो आई थिंक दैट्स द बेस्ट थिंग। और वायरल होना या सो लाइक आई सेड अर्लियर, सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, कि फेमस होना या सक्सेसफुल होना या सेटिस्फाइड होना, सो आई थिंक आई गेस कि हर एक का अपना अपना गोल है,
तो बट इन माय केस आई एम जस्ट एंजॉयिंग इट और आई फील हैप्पी सेटिस्फाइड एंड वो मुझे नहीं है कि मेरा टाइम आएगा कि नहीं आएगा, मुझे लगता है कि एवरी मोमेंट इज माय टाइम। सो ये बहुत ही सही बात कही आपने, वो साहिल जब वो वाला बात कह रहा था ना कि अपना ऐसा सेटअप डालेंगे फिर ऐसा सीख जाएंगे फिर अपना गाना बनाएंगे एंड ऑल, तो मेरे को एक बात और याद आई कि यूजुअली मैं हो गया और मेरे साथ में और भी मैंने बहुत सारे काफ़ी लोगों के साथ में होते हुए देखा ये कि जब हम लोगों ने, क्योंकि हम लोग रिकॉर्डिंग करना इसलिए सीखना चाह रहे थे बिकॉज हम अपना म्यूज़िक बनाना चाहते हैं बोल के ना, तो मैं कॉलेज से पहले टाइम से ही कर रहा था, मैं काफ़ी टाइम से लगा हुआ था इसमें ग्रेजुअली ऐसा, तो कॉलेज वॉलेज तक होते होते थोड़ा सही हो गया। तो पहले कॉलेज में जब मैं था और बाकी सारे लोग बाहर के थे मेरे बैंड में जो थे एंड वी हैड सम नाइस सॉन्ग्स, तो हम इधर उधर रिकॉर्ड करने जाते थे फिर वो ढंग से नहीं हो रहा था, फिर हमारा प्लान यही चलता रहता, रोज़ यही बात होते रहता था, ओ यस खाते रहते थे, जैमिंग करते रहते थे एंड कि यार काश अपना स्टूडियो होता तो जब मन करता तब रिकॉर्डिंग करते हैं नॉट लाइक दैट ना। तो जब धीरे धीरे थोड़ा बहुत सेटअप सूटअप लग गया, हल्का हल्का काम आने लग गया, तो मेरा ना गोल ही चेंज हो गया ग्रेजुअली, मेरा हो गया और बहुत सारे और लोगों, क्योंकि एक चीज़ उसके साथ में ये आई कि जब मेरे को थोड़ा थोड़ा काम आया, और क्योंकि सर्कल ऐसा होता है लोग जानने लग जाते हैं कि यार ये तो रिकॉर्डिंग कर लेता है और ये कर लेता है, ऐसे हो जाता है, तो फिर लोग मेरे पास ही आने लग गए है ना। तो और बेसिकली हम लोग का बैंड वाला कल्चर था, तो जो उस टाइप में उन लोग को पता है कि जो दूसरे स्टूडियोज़ में है चाहे कुछ भी लगाओ तो वैसा टाइप का म्यूज़िक नहीं बन रहा है जो अरिजीत ऐसे कर रहा है, तो लोग आने लग गए, वो होने लग गया, थोड़े थोड़े पैसे आने लग गए। मैं कुछ टाइम के लिए एक्चुअली मैं भूल ही गया कि मैंने शुरू क्यों किया था ये वाला काम, और अपना म्यूज़िक रिकॉर्ड करने के अलावा मैंने फिर बहुत सारे लोगों का म्यूज़िक रिकॉर्ड किया। फिर एक बात हुआ कि मैं मतलब इतना ज़्यादा भूल गया कि उसके बाद तक तो खैर मेरी जॉब लग गई इसी फील्ड में, बट वैसे मेरे को ऐसा रिग्रेट नहीं है इस बात का, क्योंकि उसके पीछे भी कारण है, क्योंकि इतना ज़्यादा काम नहीं आता था मेरे को जो कि उस जॉब लगने की वजह से हुआ बाद में, तो उस जॉब लग गया तो वहाँ पे वो पूरा बिल्कुल ही कॉपर स्टाइल में फिर एड्स बनाना, ये करना वो करना, तामझाम वो सब में लग गए, वो काफ़ी ज़्यादा समय ले गया ज़िंदगी का है ना, 3 साल में उन लोगों ने 6-7 साल का काम करा लिया मेरे से, 3-3 दिन तक घर नहीं आना है ना, 12-12, 14-14 घंटे तक ऑफिस में लगे रहना, वही काम करते रहना एंड ऑल, बट सही हो गया उसका वजह से। फिर जब मैंने सोचा कि अब मेरे को अपने थोड़ा बहुत कुछ काम करना है, और जब मैंने जॉब छोड़ा और फिर अपना शुरू किया, तो अब फिर अपना फिर से वापस पेट पालना है, फिर अपना कंपनी एस्टेब्लिश किया, फिर उसी रैट रेस में घुस गया जहाँ से निकल गया था। तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, इसमें भी ऐसा है कि मतलब अगर आपको अपना म्यूज़िक भी करना है तो उसमें भी बहुत सारा चीज़ रहेगा, और फुल टाइम आप करोगे उसका हर एक चीज़ आपको देखना देख के चलना पड़ेगा, मॉनिटरी वाला फील भी है, क्योंकि अगर पैसे नहीं बनेंगे तो अगर खर्चा नहीं निकलेगा तो फिर कैसे होगा, ये भी चीज़ है, एवरीथिंग गैजेट से लेके हर चीज़ वो रहता है, और अगर आप फुल टाइम कर रहे हो तो सब कुछ वो भी देख के चलना पड़ता है। एनीवेज पर ये हो कि अगर आप इसलिए सीख रहे हो कि आपको अपना म्यूज़िक बनाना है, आप डेफिनेटली दूसरों के साथ में काम करो, ज़रूरी भी होता है, उससे बहुत लर्निंग भी आता है, और जो मेरा सिंगिंग भी ऐसा नहीं था बिल्कुल ही, बहुत सारा स्किल्स ऐसे ही गैदर हुआ जस्ट बाय वर्किंग विद अदर्स है ना, आप जब किसी अच्छे सिंगर से गवा रहे होते हो तो कुछ गुण उसके आप अपने अंदर ना, कुछ वाइब और कुछ गुण ना आप अपने अंदर ले आते हो, उसके बाद आप जब किसी गंदे सिंगर से गवा रहे होते हो तो आप कोशिश करते हो कि वो वाले गुण को वापस उसके ऊपर में प्रैक्टिस करने के लिए, तो अच्छा खासा आपका प्रैक्टिस हो जाता है, फिर आप खुद भी और प्रैक्टिस करते हो, ऐसे ग्रेजुअली दिस थिंग ग्रोस। तो एनीवेज जो भी करो ना करो मतलब, पर अपना म्यूजिक बनाते रहना है ना, एंड बिकॉज
और एक चीज़ रहेगा कि अगर आप अपना म्यूज़िक नहीं बनाओगे तो उसका एक बड़ा स्ट्रगल आता है, आप चाहे कितने भी सक्सेसफुल हो जाओ एज अ प्रोड्यूसर। एक बात ये रहेगा कि आपका जो क्लाइंट आएगा तो वो जो बोलेगा आपको उसके हिसाब से बात मान के वो चीज़ बनाना पड़ेगा। और अगर आपके खुद के पर्सनल अच्छे गाने नहीं हैं जो आपने खुद के मन से किए हैं और बहुत अच्छे हुए हैं जिसका वजह से वो आया है, तो कई बारी आपको सब पता होते हुए भी आपको लगेगा कि लगता है कि मैं अभी भी मेरे को कुछ नहीं आता है, और कॉन्फिडेंस कहीं कहीं पे थोड़ा डगमगाएगा चीज़ों को लेके। तो इसलिए भी अपना म्यूज़िक और अपने स्टाइल का म्यूज़िक करते रहना ज़रूरी है, बिकॉज इट ऑल्सो गिव्स यू द अपॉर्चुनिटी कि आप रिस्क ले सकते हो। रिस्क लेगा, उसमें एक्सपेरिमेंट करेगा, तभी जाके कुछ नया बनेगा। इट कैन बी अ माइटी फ्लॉप बट इट इज़ फाइन। सर अभी आपने बोला कि जैसे कभी कभी क्लाइंट आपको आके बोलते हैं ना पसंद होते हुए भी आप करते हो, तो एक अंदर से सेटिस्फेक्शन नहीं आता कि यार मैं ये कर क्या रहा हूँ, मुझे करना ये चीज नहीं है, पर सेक ऑफ मनी और सेक ऑफ समथिंग एल्स मैं किए जा रहा हूँ, तो वो एक अंदर से सेटिस्फेक्शन नहीं होता। ये अभी भी मेरे साथ होता है, कभी कभी मैं वीडियो कुछ बनाता हूँ तो मेरे हिसाब से मैंने बहुत अच्छा एडिट किया होता है, लेकिन जब मैं क्लाइंट को भेजता हूँ तो क्लाइंट बोलता है कि नहीं मुझे ये ऐसा नहीं ऐसा ही चाहिए, तो जब भी हम बना के दे देते लेकिन उसके बाद सेटिस्फेक्शन नहीं आता। मतलब काम करने के बाद में भी आप 10-15 घंटे एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, उसके बाद में आप कर देते हो भेज देते, क्लाइंट खुश भी हो जाता है, लेकिन उसके बाद एक इनर सेटिस्फेक्शन नहीं होता कि यार ये क्या चल रहा है, तो वो एक हाँ वो बहुत जरूरी है। वो सेटिस्फेक्शन भी बहुत ज़रूरी है ना, मतलब कि अगर आप खुद का प्रोजेक्ट करके आपको पता है कि आपने अपने हिसाब से, तो सर आप कैसे टैकल करते हो ये चीज़ आप कैसे टैकल करते हो, आपके साथ भी ऑब्वियस होते ही होगा मतलब। हाँ मतलब ये तो रोज़मर्रा का बात हो गया, अभी तो जैसे क्या होगा कि आप ऐसे करते रहोगे तो थोड़े देर में क्या होता है कि राइनोसोरस वाला चमड़ा हो जाता है आपका, काइंड ऑफ लाइक वही बात सुन सुन के आपको पता है कि क्या होने वाला है। तो अब अपने हिसाब से, फिर भी मैं, मेरा ये है कि मैं अपने हिसाब से पूरा कोशिश करता हूँ और उसके बाद में फिर वो जो बोलता है फिर उसको करके दे देता हूँ। और कई बार तो यहाँ पे मतलब ऐसा भी होता है ना ये स्टूडियोस में, नहीं कभी क्या होता है कि हम लोगों ने एक चीज, पता नहीं कुछ तो हुआ है, झरझर हो रहा था आवाज़ में। तो एनीवेज ठीक है, तो सब लोग अपना अपना ख्याल रखिए, जो नया बैच शुरू होने वाला है उन सबको बहुत बहुत वेलकम और थैंक्स फॉर। ये 1 तारीख को हमारा बैच शुरू होगा। हाँ 1 को सर टाइम सेम रहेगा 8 PM है ना, तो मैं ग्रुप में लिंक विंक सब शेयर कर दूंगा सारी चीज़ें। और हाँ इट हैज़ बीन अ वंडरफुल जर्नी मेरे लिए भी, लाइक मई से जो हमने ये सारा चीज़ शुरू किया है, तो स्किल लेवल ये सब जो भी मैं कर रहा हूँ उसके साथ में ग्रेजुअली काफ़ी चीज़ें मेरी भी ग्रो हो रही है, एंड इट इज़ ऑलवेज फन। हम लोग बहुत सारा अलग अलग टाइप का म्यूज़िक कर रहे हैं, सब बहुत अलग अलग टाइप का टैलेंट है, सबका अलग बैकग्राउंड्स है, एंड ऑल इन ऑल सबसे पहला बात तो कि थैंक्स फॉर बिलीविंग इन कि यार आप जहाँ पे टाइम और ये एफर्ट दे रहे हो उसके लिए मतलब यू विल गेट समथिंग इन रिटर्न है ना, एंड तो क्या कहते हैं ये एक तरीके से मतलब सपना ही था मेरा भी कि यू नो हैव समथिंग एंड हैव बिल्ट अ कम्युनिटी अराउंड जहाँ पे सेम माइंडेड पीपल हो और यू नो यू कैन डू म्यूज़िक और इस तरीके से। तो या जो आपने लिंक भेजी ना उसमें कंटेंट इतना है ना कि देखते देखते मतलब पता ही नहीं चलता है, और बहुत सारा चीज नया नया पता है। मैंने भी बहुत सारा चीज डिस्कवर ऐसे किया है कि जो मुझे लगता था कि मैं सही हूँ लेकिन वो सही नहीं है, मतलब वीडियो देखने के बाद जो भी लेक्चर्स हो रहे हैं उसके बाद मुझे पता चला अच्छा मेरा मिस्टेक ये था, ऐसा बाद में भी पता चलता है, क्योंकि हमको लगता है कि वो सही है लेकिन वो रॉन्ग होता है, ऐसा भी बहुत सारा चीज पता चल रहा है। यही है, तो यही है जर्नी मतलब बेसिकली ना इस चीज का, तो गलत सही मिला के सब ठीक है।
सर मुझे कुछ बोलना है। हाँ एक्चुअली मुझे अंजलि मैम को कुछ बोलना है। मैम सुन रहे हो आप? यस 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 मैं तो डर ही जाती हूँ इस ग्रुप में कोई भी नहीं कुछ पूछने वाला बात नहीं है मैम। आई मतलब आज जब मैंने आपको देखा मैं सीरियसली शॉक हो गया कि इस एज में भी इस लेवल का पैशन शायद मैं पर्सनली टूट जाता कि मतलब हैट्स ऑफ टू यू सीरियसली। एक बात मैं मतलब शेयर करना चाहूंगी कि ना मेरा जो ये पैशन जो आपको अभी दिख रहा है वो शायद वो कहते नहीं कि हाउ टू मे बी कोई पोएट्रिक आदमी हो यहाँ पे तो बता सकता है। नो इन द सेंस कि ये जर्नी रुक गई थी मेरी। इनफैक्ट आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर कि जो चीज मैं अभी करना चाह रही हूँ वो सबका मैंने अचीव कर लिया था इन द एज ऑफ 19 टू मतलब 18 रखिए 18 में आप परफॉर्मेंस करने लग जाते हैं अप टू अंटिल आई गॉट मैरिड। तो उसके बाद से थोड़ा बहुत कैजुअल हो गया था गाना और वो सीरियस गाना खत्म हो गया था। तो वो जैसे ना वो पैशन रुक गया था आई कैन डिफाइन दैट वे। तो वो रुका हुआ जो ये कोरोना वेरी बैड बट गुड फॉर मी एंड नॉट गुड फॉर एवरीबॉडी कि उसमें अब आदमी करे क्या। सो आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर माई ओल्ड बुक्स डायरीज। मेरे सेवेंथ क्लास की पहली संगीत की जो किताब है कुछ में नोटेशंस लिखे हैं कुछ मैंने जो नोटेशंस लिखे हैं जो याद है उसको मैंने प्रैक्टिस किया। तो वो रुकी हुई बात थी। मैंने आई हैड शेयर्ड विद अरिजीत कि मैंने रेडियो में गाया मैंने जिंगल्स गाया मैंने परफॉर्मेंस किए मैंने सभी कुछ किया बहुत प्राइज भी लिया लेकिन वो सब खत्म हो गया। उसका कोई मतलब नहीं क्योंकि थिंग्स हैव चेंज्ड। अभी मुझे नया सीखना आप लोग के साथ सीखना है लोगों को देख के एंड आई लव। मैंने पहली मीटिंग में भी कहा था कि मुझे नए वाले लोगों का सुन के इतना मजा आता। मैं इतना सुनती हूँ क्योंकि हर बार कहीं जाओ लग जा गले गा दो मैडम आ जा रही मैं तो कब से पढ़ी। अरे क्यों नेहा कक्कड़ का भी मैं गा सकती हूँ ऐसा नहीं कि मैं नहीं। अरिजीत सर जो कॉन्फिडेंस सिखाते हैं ना तो एक अलग कॉन्फिडेंस खुद में भी आता है कि हाँ मैं कर लूंगा। अब मेरा कॉन्फिडेंस तो आधा खत्म हो रहा है क्योंकि इसमें भी कोई मेरे उम्र की और लेडी भी नहीं है कोई। नहीं 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 मैम मैं क्या सीरियसली आप इंस्पायर कर रहे हो हम लोग को। आई सीरियसली मैं बहुत ज्यादा इंप्रेस हुआ आप थैंक यू सो मच। वो मेरा इंस्पिरेशन का सब तब सक्सेस होगा जब अरिजीत जी कहेंगे कि था थोड़ा कुछ क्योंकि आई एम स्केर्ड। मुझे सिर्फ अपना गाना जो पसंद है वो मैं उसको कुछ करके डाल देती हूँ कि चलो जो भी है अदरवाइज आई मतलब आई होप। ये मैंने आपको तभी वही बोला ना कि जब हमने पहले हम थोड़ा बहुत सेशंस कर रहे थे वन ऑन वन उसके बाद ही आप रिकॉर्ड करना आपको आ गया। यू स्टार्टेड पुटिंग आउट सॉन्ग्स एंड ऑल फिर आप कहने लगे कि अरे मेरे से होगा नहीं होगा। मैंने बोला कि आपसे होगा मेरे को लग रहा है कि आप मतलब और मतलब अभी जो गाना एक मैंने अभी अभी ट्राई किया मे बी आई विल अपलोड इट। मतलब मैं बिल्कुल रो पड़ी थी उसको करने में क्योंकि घर में कोई नहीं बता सकता है मुझे मतलब इसलिए क्योंकि एंड आई एम डेस्परेट टू पुट दैट ऑन। और गाना तो आता है बट और कुछ नहीं आता है। अंजलि जी कह रहे हैं कि यार वो तबले वाला ऐसा वो था लूप चाहिए उसमें। और आई मस्ट शेयर दिस विथ यू अभी मैं वो गाना अपलोड किया है उसको प्राइवेटली किया है। मैंने वो मैजिक आप बिलीव करते हो मैजिक में मैं तो बिलीव करती हूँ। मैंने पता नहीं क्या अटकल लगाया वो फट से एक पैच ट्रैक में आ गया। मैंने कहा ये क्या है इसमें ये छोटा सा पैच तो मैंने उसको क्लिक किया एग्जैक्ट बीट ऑफ आ गया। मैंने कहा मैंने पूरा स्क्रेप करके फिर से उस गाने को गा के अब जो भी है अच्छा बुरा ठीक है मतलब डाला है। एक्चुअली वो रोने वाला सीन मैंने भी फील किया है थोड़ा सा बहुत गिल्ट के भी ठीक है ना तुम भी रो मैं भी रोऊंगी कोई बात नहीं तुम जल्दी हंसोगे। एज एज इज जस्ट नंबर आप म्यूजिक के लिए कोई एज नहीं होता। अब मेरे केस में मैंने बहुत लेट सीखना स्टार्ट किया तो जिन जिन लोगों से मैंने पूछा था वो बोले थे कि यार म्यूजिक तो बचपन से सीखा जाता है अभी तुम क्या करोगे ऑलरेडी तुम काम कर रहे हो बीच में ये कहा होगा। तो मैंने सुना नहीं किसी का मैंने बोला कूद जाते जो होगा देखा जाएगा। सही बात फिर मैंने स्टार्ट किया तो धीरे 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 होते गया।
मैं ये कह रही थी पारस को कि मेरा एक्चुअली एक पैरेलल करियर भी है, अभी उतना पीछे कर दिया उसको, आई एम इनटू कॉर्पोरेट लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन में है मेरा, उसको मेरे पास चॉइस था, मेरे बहुत सारे लोगों ने कहा कि उस पर वेबसाइट बनाइए, यूट्यूब बनाइए, सेशन दीजिए, ये वो, मैंने कहा नथिंग डूइंग, जो छूट गया था उसको पहले पूरा कर लूं, फिर बाद में मुझे सेटिस्फेक्शन होगा, सो दैट वॉज इट. सो आई होप कि कुछ सीख जाऊं थोड़ा, कुछ तो मतलब 10-15-20% सीखा है, पता नहीं. अरिजीत सर सिखा देंगे, कॉन्फिडेंस हम बोल रहे हैं, अरिजीत सर सिखा देंगे, जो कॉन्फिडेंस है अगर उतना आप में आ गया तो आप आराम से कर लोगे सर. आई होप सो. थोड़ा सा क्वालिटी ऑफ रिकॉर्डिंग हो जाने से, एज देखो सिंगर को क्या, मैं इतना लोगों को सुनती हूँ, मुझे लगता है ये गाना बना दे मेरा, ये मेरा रिकॉर्ड कर दे, मुझे यही लगता रहता है, बट इट्स नॉट पॉसिबल. तो अभी वही थोड़ा सा मतलब क्वालिटी और सब सीख लें, आई डोंट नो वेयर विल आई रीच, बट गाना गाऊंगी और बस, दैट इज व्हाट. ऐसा हो सकता कि वो अंजलि आंटी जी गाए है ना, और सब लोग रिकॉर्ड कर दो प्लीज. मैम वो आप कर लोगे, मेरे को पूरा भरोसा है, सारे साथ में मिलके कुछ कर दे है ना, जैमिंग हो सकता है. वो तो कर ही सकते हो ना, मतलब मुझे अच्छा एक चीज अरिजीत बता दीजिए एज माई टीचर, कि मैं बहुत शर्मनाक क्वेश्चन अगर रिकॉर्डिंग के बारे में पूछूं तो किससे पूछूं, क्योंकि मैं तो पूछती ही नहीं हूँ, मुझे लगता सब हंस देंगे. तो अरे आप ऐसा वो नहीं है, आप कुछ भी नहीं है मैं वैसा, क्योंकि मैं सोचती मैं पूछूं या नहीं पूछूं, मैंने कहा नो आई डोंट नो. शायद आप अगर पूछोगे तो शायद वही क्वेश्चन किसी और को भी होगा, उसका भी फायदा हो जाएगा. दैट्स अ गुड वे, हर कोई डरता है. दैट्स अ गुड वे. तो मुझे तो काफी सीखने को मिला है आपसे ना. एक्चुअली मैं आपको बहुत ध्यान से सुन रहा हूँ, पता है क्यों? क्योंकि आप जो भी बोल रहे हो ना, ये सब आपके एक्सपीरियंस से बोल रहे हो आप. जी मैम, आई एम वेरी पैशनेट अबाउट म्यूजिक, यू नेम इट एंड आई नो इट. यही चीज तो लेना है मैम आपसे. उम्र भी तो है ना मेरी, एक्सपीरियंस का बात बीच में थोड़ा छूट गया था, बट यस ऑफ कोर्स आई एम वेरी. वो फिर से लाना आप में बड़ी बात होती है. हाँ, वो गया ही नहीं था ना, वो गया ही नहीं था, बट वो रुक गया था थोड़े काफी सालों के लिए, आई थिंक 30 साल तो कहीं नहीं गए हैं, टिल माय चिल्ड्रन ग्रू अप एंड वेंट अवे, तो उसके पहले तक तो आई वाज. कोई ऐसे प्रॉब्लम या ना, मतलब कि मैसेज करके पूछ लिया करो जो भी कुछ भी हो क्वेश्चन. अरे मैं इतने बहुत सारे क्वेश्चन है मेरे, मैंने इसलिए तब किसी को डिस्टर्ब करती हूँ. नहीं मैम आप फ्रीली कर सकते हो, कोई बात नहीं है. मैं बिना शाये हुए बोलता हूँ कि मुझे 5-6 महीने पहले सारे गामा पा भी नहीं बजाने आता था, बट थोड़ा बहुत मैं कवर अभी कर ले रहा हूँ. हाँ तो थोड़ा बहुत अभी मेरा, मैंने लिटरली हार्डवर्क किया उसपे, बहुत सारे वीडियो nice, तो, हाँ उसपे मैंने, क्योंकि कोई सिखाने वाला नहीं था, कोई गाइड करने वाला नहीं था, ना अफोर्ड कर सकता था मैं. मेरा भी यही कहानी है मैडम, 3 साल तक मैं मिक्सिंग मास्टरिंग कर रहा हूँ, सारा चीज खरीद लिया हूँ मैं, लेकिन किस प्रोसेसिंग से करना है, क्या मेरा गलती है, सिग्नल को कहाँ से कहाँ ले जाना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था. अरिजीत से बात जब हुई थी तो माई सन इज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो उसने भी कुछ कुछ ऐसे बताया, देन ही टोल्ड मी कि नहीं मामा साउंड इंजीनियरिंग इज वेरी डिफरेंट, आई कांट गाइड यू. उसने बस मुझे एक ऑडेसिटी बता दिया. मैं बताया भी नहीं, मैंने ढूंढ के कहीं से निकाला. सो दैट्स व्हाट, सो इट्स अ वेरी, नाउ दे से माय बॉय से कि ओके मम्मी इज डूइंग अ हाई फंडा थिंग. मैम मैं बिल्कुल आपके जैसा हूँ, आपके बैच में हम दोनों इकट्ठे सवाल पूछेंगे, कोई चक्कर नहीं है. और जहाँ तक की स्टूपिड क्वेश्चंस का सवाल है ना, तो मैं मेरे आपसे भी स्टूपिड हो सकते हैं. नहीं नहीं मैं और विनीत भैया एक है मेरे बैच में ही है वो, उनको मैं ट्रूली फॉलो करता हूँ. प्रिकॉशंस का उनका मुझे अच्छा लगा था कि उनका आइडिया ठीक है, तो मैं बहुत स्टूपिड क्वेश्चन पूछता हूँ उनसे कि अरेंजमेंट वाइज प्रिकॉशंस का अरेंजमेंट वाइज, बट वो क्वेश्चन की वजह से मुझे पता चलता है कि एक्चुअली ये नहीं करना या एक्चुअली ये चीज करना है. And that is the reason of building a community around, na? Yes.
कि बहुत ज़रूरी है, मतलब आप जो चीज़ कर रहे हो उसका थोड़ा कम्युनिटी हो तो आप शेयर करोगे, और एंड दैट इज़ ऑल्सो द रीज़न ऑफ होल्डिंग, मतलब ऐसे ही कि हमने एक ऐसा वो मीटिंग रखा है, ऐसा डिस्कशन रखा है, थोड़ा इधर उधर का बात करें। स्पेशल बात है कि सर के लिंक पे ही आते हैं हम लोग 8 बजे हर संडे, सर के लिंक पे आते हैं। राइट राइट, तो जो भी चाहो ज्वाइन करो। अरिजीत इज वेरी डेडिकेटेड एंड आई एम सो हैप्पी दैट आई ओनली फाउंड हिम ऑन YouTube एज यू मस्ट हैव फाउंड हिम। हाँ, मैं बहुत मतलब अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ सर को लेके, कि सीरियसली सर एक्चुअली मुझे नहीं लग रहा था, मैं सही बोलूँ तो मैं बहुत दिन रोया था म्यूजिक को लेके कि नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा, बट आपसे मिलने के बाद बहुत सारी चीजें पता चली कि नहीं एक्चुअली आई कैन डू इट, थोड़ा सा हार्डवर्क एंड आई कैन। मुझे तो नहीं लगता कि मुझे ज्यादा कुछ आ पाएगा, आई डोंट नो, मतलब मुझे आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ आवर हियर सारे सिंगर्स हैं, मतलब मुझे लगता है गाने वाले के लिए इतना टेक्नोलॉजी सीखना, मतलब आई डोंट नो, अरिजीत बताएंगे, अब कोई कर दो रिकॉर्डिंग तो ठीक है। मतलब आप इंस्ट्रूमेंट भी बजाओ और ये भी करो वो भी करो, एंड आई मीन आई एम जस्ट शेयरिंग इट, वो मैंने जो अभी नया गाना डाला है यू विल लाफ इट, मेरे पास कोई म्यूजिक मेरे से वो वेस्ट ही होता ही नहीं है अब, या तो मेरे जब सीखूंगी तो समझ में आएगा, तो मैंने आई एम शेयरिंग दिस विद कॉन्फिडेंशियली, मैंने बहुत मुझे ध्यान में था कि मेरे घर में एक रैटल पड़ा हुआ है कहीं से आ गया था, रैटल घुंघरू वाला झुनझुना जिसको कहते हैं, हाँ, तो उसको लेके मैंने कहा चलो इसी से भर देते हैं इस गाने को, और उसी से भर के गाया, तो मैंने कहा गाना गाना है मुझे, मुझे इसको डालना है जन्माष्टमी के पहले, और मैंने उसको बना के अभी मैंने प्राइवेट लिंक पे डाला हुआ है, I'll just try to go. So I hope your encouragement and good wishes. I hope I'm able to learn. होएगा। और दूसरा बात है ना कि जरूरत जो होती है ना वो बहुत बड़ी चीज होती है। तो जब आपको जरूरत नहीं थी तो लाइक आप एक सिंगर हो, अगर कोई और कर ही दे रहा है म्यूजिक और कोई वो कर ही दे रहा है तो ठीक है, पर जब जरूरत पड़ जाती है ना आदमी को तो फिर वो सब कर लेता है, मतलब जब आपको जरूरत पड़ रही है तो बोला कि गाना तो गा रहे हो, म्यूजिक तो बना रहे हो, वो सब तो कर ही रहे हो आप, फिर वो आप वीडियो फिल्म मेकर भी बन जाओगे, वीडियो एडिटर भी बन जाओगे, है ना, फिर आप करना ही पड़ रहा है। तो इनफैक्ट मुझे अरिजीत की एक बात अच्छी लगी थी, व्हेन आई वाज स्लाइटली कि क्या है मतलब बस गाने वाले लोग को इतना करना पड़ा, सो ही सेड कि आपने सिर डाला है तो आपको पूरा से करना पड़ेगा। मैंने कहा ओके, मैंने कहा चलो ठीक है, दैट्स गुड। सर की जो मुझे बेस्ट बात लगी, शायद मुझे कहीं और नहीं मिलता, वो जब भी मैं थोड़ा सा भी डिमोटिवेट फील करता हूँ मैं सर को एक बार तो जरूर फोन कर लेता हूँ, और सर से जो पॉजिटिव वाइब मिलती है आई कांट टेल, की मतलब खुद में थोड़ा सा बेटर और थोड़ा सा रिलैक्स फील होता है कि नहीं आई कैन। मुझे अच्छा लगेगा जब अरिजीत के पास एक बैच मेरे सारे एज वाला आएगा मुझे देख। एक बैच ऑफ सीनियर सिटीजन्स नहीं, जैसे पिछले बैच में वो थी क्या नाम है, हाँ तो भूल गया नाम, तो मैं भूल गया एक तो ना ऐसा नमिता, हाँ नमिता जी थी, रमेश जी थे, रमेश जी, गणेश जी थे, लेडी कितनी थी पहले ये बताओ, है ना, लेडी, हाँ मतलब मेरे जानकारी के अनुसार अभी तक दो, कितने मुझे लेके बता, तभी तो मैं बता रही हूँ कि मुझे लग रहा है कि ये रिसर्च केस स्टडी है, व्हाई आई एम लर्निंग एंड यू प्रोपोगेट इट एज अ मार्केटिंग। बट अरिजीत को चाहिए अभी बैचलर सिंगल गर्ल्स चाहिए, अभी तो सीनियर सिटीजन के लिए भी आ जाएंगे, वी विल फाइंड अ गर्ल फॉर यू। हां ये आप लोग को करना पड़ेगा, वी विल फाइंड अ गर्ल फॉर यू, यस दैट ट्रू, सो गुड गुड, वेरी नाइस, एंड आई फील वेरी एनकरेज्ड आप लोग को देख के, बहुत अच्छा लगता है, एंड आई फील हम सब अच्छा करेंगे तो और भी लोग आएंगे, अगर हम सब अपने जगह सब अच्छा करेंगे तो हम लोगों के थ्रू या हम लोगों का काम देख के और भी लोग आएंगे। नहीं सर की YouTube पे ऐसा कंटेंट है जो बंदा देखता ना एक बार वो सोचता तो है, जिसको पता नहीं होगा ना अभी अंदर गाते का क्या पता बाहर वाले बंदों को क्या क्या चल रहा है। और सबसे स्पेशल चीज है कि प्राइसिंग मैटर करता है वो भी बहुत लोग के लिए,
सबसे सबसे क्योंकि मेरे लिए ये चीज पे करना, मैं शर्माऊंगा नहीं, फ्रीली बोलता हूँ, मेरे लिए मेरा लगभग 1.5 महीने का कमाई वो चीज, बिल्कुल बिल्कुल, तो वहां मैं इन्वेस्ट करो और आई एम ट्रूली सेटिस्फाइड एज अ गाइड, एज अ टीचर, एज अ जो बोलो। हाँ नहीं नहीं वंडरफुल। और नहीं मेरे यहाँ मुंबई में शिमारो करके आप सबको पता होगा, बहुत बड़ा ब्रांड है उनका, एक ये मतलब वो सिखाते भी है, तो मेरे किसी फ्रेंड ने ज्वाइन किया था आज से एक साल पहले, उसका फीस कुछ 3.5 लाख है, वहां से सीख के पास आउट, मतलब जो भी कोर्स उसने कंप्लीट कर लिया, अभी अगर मैं उससे एक टेक्निकल क्वेश्चन पूछ लूंगा ना वो आंसर भी नहीं कर पाएगा, मतलब 3.5 लाख भर के उसको क्या मिला। और यहाँ पे जो मैंने अभी वीडियो प्रीवियसली देखे सर के, तो उसमें ही बहुत सारे मेरे डाउट्स क्लियर हो गए, तो ये भी बहुत ज्यादा फर्क है। He is very open to explaining everything. बहुत अच्छे से बताते, very transparently बताते। वही मैंने बोला, मुझे आज तक हार्मोनीज के बारे में पता ही नहीं था, मैं सर के वीडियोस क्लासेस से पता चला, अच्छा हार्मोनी भी करते हैं वोकल्स के पीछे क्या? बताता हूं मैं, जैसे हमारे यहाँ पे ना काफी सारे और जैसे लोकल में जो यूनिक खोल लेते, जो नॉर्मल खोल लेते, भाई उन्हें ना म्यूजिक का कुछ भी नहीं आता, और ना बंदे वहाँ पे जाके अपनी रिकॉर्डिंग भी करवाते हैं, गाने भी बनवाते हैं, 25K भी देते हैं और अपने घर भी आ जाते हैं। सच्ची में भाई मैं जब उनके पास गया, मैं कहा 25K, मतलब उनकी एज भी बहुत बहुत टाइम से कर रहे हैं, उन्हें कुछ भी नहीं आता सच में, और वो बोलते हैं अरे प्रोड्यूसर हूँ मैं, प्रोड्यूसर यार कहने से थोड़ी ना भाई कोई प्रोड्यूसर होता है, कुछ काम भी तो आना चाहिए। तो मेरे को ना ये चीजें पसंद नहीं आती, मैं कहा यार तू जब कर भी रहा तो अच्छी सर्विस तो दे। तो एक भी आ गया था इनके हाथों में, फंस गया था वो, फंसा था वो, लेते ही है तो फिर वो ही साहिर एफएल वाले होंगे वो नहीं भाई फेस वाले है वो। अरे इससे गंदा एक्सपीरियंस है मेरे पास, मैंने जब फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड करवाया था, उन्होंने 2000 रुपया लिया था वोकल्स का, ठीक है, बट उन्होंने ऑडासिटी से कुछ कुछ तो करके दे दिया था, वो बहुत ही वियर्ड सा साउंड कर रहा था, बट फर्स्ट टाइम था तो मतलब एक्सपीरियंस भी नहीं था रिकॉर्डिंग का, और मतलब थोड़ा शाय नेचर का भी हो तो मतलब ठीक से बोल भी नहीं पाता था तभी। तो मेरा मानना तो यही है कि अपने आप को अच्छे से अच्छे लोगों के मतलब के बीच में जाओ, वहां से सीखो और बढ़ो आगे, ये मोटिव होना चाहिए बंदे का। जैसे कि यहाँ पे ये जो बंदों का खोल लिया और डाल लिया इधर को, यही पे पागल बनाते रहेंगे, बट मेरे को तो समझ तक नहीं आती भाई तू क्यों कर रहा है ये तो म्यूजिक में भरोसे होते हैं, स्प्लाइस के भरोसे, स्प्लाइस से वो एक लूप डाउनलोड कर लेंगे, उस पे प्रोग्रामिंग कर देंगे, वहीं से ढूंढ लेंगे और बोलेंगे हम लोग म्यूजिक प्रोड्यूसर है, तो वो एक चीज अजीब लगती है। मेरे पास सर अभी एक प्रोजेक्ट आया था, वो जैसे आप ही बात मतलब कि क्या नाम है इनका, जैसे विनायक जी बोल रहे थे ना, तो ना मेरे साथ भी हुआ था, अभी एक प्रोजेक्ट आया, उसने बोला कि भाई ऐसे ऐसे मतलब की पेड कर दूंगा मैं, तो मैंने उसे पता है क्या बोला, मैं कहा यार जो तू क्वालिटी भाई मांग रहा है ना अभी मैं तेरे को दे नहीं पाऊंगा, और मैं फालतू के पैसे मतलब मोटिव ही नहीं है मेरा ये कि बस पैसे आ जाए तो अपना काम हो जाए, क्योंकि दो रीजन है इसके पीछे, एक अभी तो फैमिली सपोर्ट है फुल, तो एक ये भी रीजन है, और दूसरा एक ये भी रीजन हो सकता है कि मेरा जो मोटिव है ना मेरे को ये चीज नहीं करनी, मेरा ना दिल नहीं मानता, मेरे को ऐसा लगता है नहीं यार अगर मैं चीज के पैसे लूंगा चाहे मैं 1,00,000 रुपए लूंगा, मतलब समझ रहे हो ना मेरी बात सही, जाके काम करना, मुझे ये नहीं करना कि मैं कोई आया मेरे पास और वो फिर चलो मैंने उसे बना के भी दे दिया, कल को उसने गाली देनी है, उसने बोलना वो साहिल उसने ना मेरे को फुद्दू बना दिया था, क्योंकि जो बंदा एक्चुअल में अगर चलता है ना फिर तो वो कहीं ना कहीं फिर पहुंच के फिर याद तो करता ही है। नहीं वो एक प्रोफेशनल बंदा आपकी ऑडियो सुन के आपके ट्रैक सुन के बता देगा आपको कितना आता है, जैसे हम लोग सर को ट्रैक भेजते तो सर तो कुछ बोलते नहीं लेकिन सर को पता चल जाता है कौन कहाँ पे, वो स्माइल सब बना देता है। तो मैं ना जितने भी अभी मैंने सेशन प्रीवियस देखे ना तो मैं सर के एक्सप्रेशन देखता हूँ, अच्छा ये ट्रैक बज रही है अब सर क्या, तो पता चल जाता है सर के दिमाग में क्या चल रहा है, तो मुझे डर लगता है जब मैं ट्रैक भेजूंगा तो सर क्या एक्सप्रेशन देखे।
बट वो चीज मैं चाहता हूँ कि सर एक्सप्रेशन दे, क्योंकि वहां पे गलती पकड़ा जाती है, अरे यार यहाँ पे गलत हो गया। मुझे लेकिन डिफरेंट लगता है, अरिजीत हैज गॉट अ वेरी वेरी गुड वे ऑफ गिविंग रिएक्शंस टू ऑल द असाइनमेंट्स। वो आपको एक्सप्लेन भी करेंगे ना तो आपको अजीब नहीं लगेगा, वो आपको अच्छे से फ्रेम करके एक्सप्लेन करके बताएंगे कि ये यहाँ आपका गलती है। अब वो ब्लंट होके नहीं बोलेंगे नहीं तुमने ये गलत किया है, ये ऐसा नहीं ऐसा करो, वो आपको समझाएंगे प्रॉपरली कहाँ से। तो वो एक चीज सही लगती है कि चलो एक क्लास में बेइज्जती भी नहीं हो रही और नहीं, मैं मल्टीपल टाइम्स इसीलिए सर को ट्रैक भेजता हूँ कि आई डोंट केयर अबाउट ऑल, कि मैं मुझे पता चलता है कि एक्चुअली मतलब हाँ मैं गलत हूँ, तभी तो मैं इम्प्रूव करूंगा। अगर इस डर से मैं ट्रैक भेजू ही नहीं कि यार कि हाँ क्या सोचेंगे लोग, तो फिर मैं इम्प्रूव ही नहीं कर पाऊंगा। अरिजीत कैन आई एक्सक्यूज माय सेल्फ, आई एम सॉरी। या या श्योर श्योर, ओके थैंक यू, नाइस मीटिंग एवरीबॉडी, और we'll hold hands with each other and we'll move sure, and we'll yeah. rock sure, the music sure. world sure ma'am, thank you ma'am. thank you so much. Better new musician every day. Yes exactly mere taraf se aapko pranam, mujhe bhi aap log ko, kyunki aap log ko dekh ke mera mann aata hai aisa gana main gaun, वैसे तो मेरा rap bhi gaane ka mann karta hai frankly, lekin dekhungi करेंगे मैम, जो जरूर करेंगे सब। ओके ओके बाय बाय, तो ठीक है। तो आज मेरे ख्याल से काफी कंफ्यूजन का वजह से कुछ लोग तो आ ही नहीं पाए। क्या सीन था कि कल, मतलब मैंने तो आज ये सोचा था कल ही हो चुकी है, मतलब वो जो हो रही थी मीटिंग कल, क्या बाय चांस हो गया था क्या? नहीं नहीं कल तो हमने वो क्लास हम कर ही रहे थे, तो हमने सोचा कि और लोगों को भी बुला लेते उसी के बीच में, है ना। तो कुछ लोग कल भी हुआ था सेशन, कल भी हुआ था। हाँ मुझे संडे पता था इसलिए। तो सर नहीं, अभी क्या आपने मतलब कि ये जो क्लासेस अब से हो रही है, ये जो बैचेस हो रहे हैं, इसमें क्या सैटरडे संडे ऑफ रखा हुआ है? अच्छा अच्छा सही है, सही है। अरे सर को पर्सनल लाइफ भी है, उनको भी थोड़ा माइंड प्रेशर होना चाहिए। रोज इतना बोल के सर बोल बोलेंगे ये सालों ने पका दिया। लास्ट नाइट वो नहीं है, लास्ट नाइट सर 1:10 तक थे ऑनलाइन, मैं उनके साथ ही था ऑनलाइन। एक्चुअली फ्राइडे को कुछ नेटवर्क का इशू था, पावर का इशू था, इसलिए सैटरडे को कंटिन्यू किया। बिल्कुल नहीं ऑफ तो हो, ये सही है, बिल्कुल सही करा आपने सर, होना भी चाहिए। नहीं और ऊपर से जो असाइनमेंट रहेगा, कुछ बंदा खुद भी प्रैक्टिस करेगा, सब कुछ रहता है ना, वो प्रैक्टिस नहीं करेगा वापस नहीं लेके आएगा वो चीज असाइनमेंट करके, तो फिर कैसे पता चलेगा कि क्या इम्प्रूवमेंट हुआ है उसके ऊपर में, है ना। और ये भी है कि एक ही चीज, दूसरा बात है ना कि एट द एंड ऑफ द डे मैं भी तो आर्टिस्ट है ना, तो मेरे को अपना आर्ट जिंदा रखना है सबसे पहली बात है। तो हर तरीके से मैं हर चीज़ को वैसे करके चल रहा हूँ, सब चीज़ वैसे ही मैनेज करके चलना बहुत ज़रूरी है। हाँ तो इसलिए मैं अक्टूबर को ब्रेक भी रख रहा हूँ, और फिर उसके बाद अगला फिर नवंबर से ही शुरू करेंगे, मतलब सितंबर के बाद अक्टूबर का सेशन बंक है। पियानो क्लास के लिए तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हो गए लग रहा है। हाँ तो अभी तो इसी बीच में हम लोग फिर पियानो क्लासेस वगैरह और ये वाला चीज करेंगे, उसमें थोड़ा सा मजा आएगा, थोड़ा नया टाइप का चीज भी होगा। इससे काफी भैया के बाद ना अक्टूबर में सर मैं थोड़ा सा डिस्कनेक्ट करना चाहता हूं कि भैया अक्टूबर में आपने कहा पियानो की क्लासेस सभी को अक्टूबर बाय अक्टूबर पियानो क्लासेस कब दे रहे हो सर? हां तो तभी शुरू कर लेंगे अक्टूबर में, ओके है ना, तो वो थोड़ा सही भी हो जाएगा। क्योंकि देखो ये भी एक बात है कि मैं लोगों से मिले बिना तो रह नहीं सकता हूँ। तो हाँ और थोड़ा अलग टाइप का वो भी होगा कि हाँ चलो आप अलग चीज़ कर रहे हैं इस टाइम पे, नॉट फॉलोइंग। मुझे बुक कर लेना भैया, जानी पाजी मेरे को भी सर, मेरे को हाँ बिल्कुल देख लो, मुझे तीसरा महीना शुरू होने लगा तभी है ना, एक दिन तो सीखूंगा ना, क्यों भैया। बिल्कुल बिल्कुल कोई जल्दी। अरे मैंने प्रीवियस बहुत सारे देखे सजेशन, जानी पाजी बहुत कम बात करते, वो पूछते ही नहीं ज्यादा, क्वेश्चन बहुत कम होते हैं उनके, वो सुनते हैं बस ध्यान से। मेरे ग्रुप में मैं ज्यादा बोलता हूँ।
बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं वो कोई और पूछ लेता है बात ही हाँ वही सही वो एक्चुअली सही भी है मतलब हमको जो डाउट होता है कोई और पूछ ले तो हमारा भी डाउट क्लियर हो जाता है तो कोई एक पूछे तो सबका हेल्प हो जाता है मेरा तो ऐसा मैं तो बहुत बेसिक से भी बेसिक लेवल पे हूँ तो मैं बस सुन रहा हूँ सबको समझ रहा हूँ जानी पाजी की जैसे क्वेश्चन जनरेट नहीं कर पा जानी पाजी के जैसे जैसे है ना जानी पाजी दिखने में ऐसा है उनका तो मतलब कि जैसे वो जो प्रोड्यूसर्स नहीं होते जैसे डीजे खालिद हो गया वो बंदे बैठे कि नॉलेज भी बहुत है और भाई सक्सेस भी बहुत है कि मतलब आराम से बैठे हो करो भाई ऐसे करो वैसे वाला ना मतलब आता है उसमें तुम लोग देख लो मैं आराम से बैठा हूँ पंजाबी है ना फिर ऐसे ठीक है ओके देन एवरीवन है ना लेट्स कंक्लूड इट फॉर टुडे काफी थैंक यू एवरीवन है ना तो थैंक यू चलो बहुत मजा आया फिर थैंक यू सर फर्स्ट क्लास में सत श्री अकाल सारे नु बहुत मेहरबानी सत श्री अकाल जी सत श्री अकाल बाय भैया ओके गुड नाइट एवरीवन गुड नाइट बाय जी कितो आए हां जी सरदार जी कितो आए है पर देखे ही नहीं वो थे शुरुआत से ही थे वो हाँ किधर जगह तो भाजी वो चले गए वो दिल्ली दिल्ली के दिल्ली के सारे दिल्ली दे मैं पंजाब नहीं मैं मुंबई से मुंबई क्या नाम है गुरशील भी है ना बठिंडा से पंजाब से अच्छा मैं होशियारपुर तो भाजी मेरे को पंजाबी बंदों के टच में आना है क्योंकि अब मुझे कुछ पंजाबी में ही निकलना है बढ़िया बढ़िया ओके जी ओके टेक केयर एवरीवन थैंक यू सर थैंक यू वेरी मच बाय गुड नाइट